वृन्दा वनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् द्यर् मधुपते स्मृता निर्वापय परम शीतल मश्रया निर्वा ीतल महाश्रया श्रीमद श्री श्रीवृन्द श्री वृन्दा सच्चिदानंद घन आनंद स्वरूप पर प्रेम रस प्रवाही श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन धाम के खग मृग पशु पंछी तरुलता रज रानीजू श्री यमुना रस रानीजू समस्त ब्रजवासी परिकर समस्त भगवत प्रेमी महाभागवत रसिक जन समस्त सहचरी वृद्ध और प्राणाधार श्री युगल सरकार श्री प्रिया प्रीतम जो अपार अहेतुकी कृपारस की वर्षा कर रहे हैं और हम सब इस कृपा रस में भीज रहे हैं ऐसा प्रतिपल उपासक चिंतन करें दसों दिशाओं से कृपा सिंधु की कृपा हमें घेरे हुए है कोई भी बाधा विघ्न हमें परास्त नहीं कर सकता कृपा की सुरक्षा घेरे में हम हैं आठों पहर हम ऐसा चिंतन करें हमारे हृदय में सतत स्मृति एकमात्र आराध्य देव के चरणों की तरफ ही हो जो जागतिक नाम रूप जागतिक भोग प्रपंच का चिंतन करने वाली वृत्ति है इसे निरोध कर दीजिए इसे रोक दीजिए ये सामर्थ भजन में है ये सामर्थ भजन में है विश्वास करो आपका भजन जितना अधिक होगा उतने ही आप में सामर्थ आ जाएगी आप अपनी चित्तवृत्ति को जहां चाहें वहीं एकाग्र कर सकते हैं आप प्रभु के अंश हैं आप में अपार सामर्थ्य है अपार सामर्थ्य का अंश भी अपार सामर्थ्य युक्त होता है सोचो अंश अपने अंशी को अधीन कर लेता है ऐसी सामर्थ्य है भक्ताधीन प्रभु को कहा गया है प्रभु जो सबका ईश्वर है सबका स्वामी है वो भक्त की प्रेम पर तंत्रता को स्वीकार कर लेता है ऐसी सामर्थ्य आप में है आप जो विषय की परतंत्रता स्वीकार किए हुए हैं यही आपके बंधन का कारण है आपने स्वीकार की है विषय की परतंत्रता आपने स्वीकार की है आपको ही अस्वीकार करनी होगी शास्त्र सदगुरुदेव गुरुदेव जन कृपा करके उपदेश करते हैं आध्यात्मिक बल देते हैं पर स्वीकृति आपको करनी होगी आपकी गलत स्वीकृति ने आपको फंसा दिया है आपकी सत्य स्वीकृति ही आपके स्वरूप का बोध कराएगी हमारा जीवन केवल सत्य स्वरूप की प्राप्ति के लिए है दृढ़ निश्चय करने वाला उपासक सब कुछ कर सकता है दृढ़ निश्चय उपासक सब कुछ कर सकता है बहुत सामर्थ्य है आप अपने सामर्थ्य को खो रहे हैं विषयों में इसीलिए वो विषय आपको रुला रहे हैं इसीलिए आपको जला रहे हैं सच्ची मानिए कृपा सिंधु का आश्रय लेते ही जब हमारा दृढ़ निश्चय हो जाता है भगवत स्वरूप में स्थित होने का तो कृपा का प्रवाह ऐसा हृदय में होता है वैराग्य कुछ अच्छा नहीं लगता क्या वैराग्य सच्ची मानिए अंदर एक ऐसी आग पैदा हो जाती जिसमें सब भस्म हो जाता है पता नहीं कैसी अंदर की वो स्थिति होती है एक तो उसका वर्णन नहीं हो सकता और दूसरे कुछ अच्छा नहीं लगता किसी भी तरह से मन को यदि अब दुलार करना चाहे कि तू थोड़ी देर तो राजी हो जाओ कहीं नहीं राजी होता ये वही मन है जो विषयों में राजी होता था ये वही मन है जो संसार रूपी बगीचे में उन्मत्त होकर घूमता था उसी मन को दिखाते ये देख लो ये सुन लो थोड़ा तो चैन लेने दो कुछ सुनना नहीं चाहता कुछ देखना नहीं चाहता एक ऐसी उन्मनी अवस्था एक ऐसी खिन्नता एक ऐसी उदासीनता जिसमें कहीं भी कोई भी ऐसी वृत्ति नहीं दिखाई देती जिससे उस खिन्नता को नष्ट किया जा सके एक अपार खिन्नता उदासीनता कैसे बतावे अब इसमें किससे मिले किससे बात करे क्या देखे क्या सुने अंदर है ही नहीं कुछ केवल उदासीनता केवल उदासीनता आपका जो विषय आकर्षण हो रहा है वो आपकी स्वीकृति के कारण हो रहा है नहीं सब मरे हुए हैं इनमें कोई सामर्थ्य नहीं कि वो तुम्हें मार दें अरे अविनाशी तू अपने स्वरूप का विस्मरण करके मृत तुल्य भोगों से परास्त हो रहा है अमृत तू मृत से परास्त हो रहा है में तुझे अंधकार ने ढक रखा है अरे सत्स्वरूप तू अपने को असत मानकर क्लेशित हो रहा है जाग यह जागने के लिए है जीवन बाहरी व्यवहार में मत फंसिए, बाहरी क्रियाओं से स्वरूप का अनुभव नहीं होता बाहरी क्रियाएं सुकृत और दुष्कृतमय होती हैं, जो शुभ अशुभ दोनों का त्यागी होता है वही स्वरूप बोध को या भगवत प्रेम को प्राप्त होता है सेवक जी महाराज कह रहे शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चर तृष्णा प्रपंच मत्सर विषम सर्व दंड निर्बल करे शुभ शुभ दुर्ग विध्वंसि बल तब जयति जग उच्च भोगों को भोगे हुए जो हमारे संस्कार हैं वो खींचते हैं पुनः भोगने के लिए उसे तृष्णा कहते हैं जितना भी ये पंचभूतों द्वारा रचित ये सब प्रपंच है मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है ये मत्सरता है ये जो द्वेष है ये सब विष है मत्सर प्रपंच ये सब त्याग करके हम शुभ शुभ दोनों का विनाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो प्रभु के अनुराग में स्थित हों एक है दूसरा है नहीं ना कहीं भयभीत हो न कहीं आशक्त हो न किसी की स्तुति न किसी की निंदा दो हो तो बात करें ना एक ही है चाहे सगुण साकार मानो निर्गुण निराकार मानो प्रेम मानो ज्ञान मानो ओ उपासना के भेद हैं उपास्य तो एक ही है उपास्य तत्व तो एक ही है लौटो अपने स्वरूप में लौटो मनोरंजन का समय नहीं है मनोरंजन करते हुए जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक इस समय बर्बाद करते रहे नहीं सुहाई देता कुछ नहीं अच्छा लगता यही तो आश्चर्य की बात है वही मन है जिसे संसार अच्छा लगता था अब यही मन है कि इसको फुसलाते हैं क्या तू क्या देखेगा तू कुछ देख ले जिससे तू राजी हो जा कुछ सुन ले कुछ पा ले किसी से भी कह मैं मिलाऊं तेरे को तू राजी हो जा नहीं राजी है किसी से मिलने के लिए राजी नहीं कैसे वो हृदय की धरा होती है बलिहारी है गुरु प्रताप की बलिहारी है इष्ट प्रताप की कि जिन भोगों से बचने के लिए बुद्धि लड़ाई जाती है उन भोगों को देने के लिए तैयार है कि तू तो राजी हो जा लेकिन मन यहां से लेकर के साहब जितना प्रपंच सब कैसा खिन्न हो गया ये कृपा विस्मरण त्याग वैराग्य का भी कहीं ना कहीं आम होता है भगवत कृपा ऐसा क्या मल त्याग का कहीं अभिमान होता है क्या वमन त्याग का कहीं अभिमान होता है क्या ठीक मलवत विश्ववत वमनवत ब्रह्मादिक भोग लागत बलिहारी इस कृपा की ऐसी स्थिति प्रभु दे देते कुछ अच्छा नहीं लगता उपासक चाहे भी कि वो हम अंदर की जलन किसी तरह मिटा दे कुछ अच्छा नहीं लगता यही जलन सच्चिदानंद की कृपा का सच्चा स्वरूप अनुभव कराती है वो जब आपके हृदय में उठना शुरू करती है तो आप उसे मिटाने की कोशिश करने लगते हैं एक बार लग जाने दीजिए आग फिर कोई नहीं मिटा सकता त्रिभुवन में सांप तो को भस्म कर देगी पर आग तो लगने दीजिए जहां आग लगना शुरू होती है किसी न किसी विषय में आप फिसल जाते हैं बुझा देते हैं उत्साहन हो जाते हैं थोड़े दिन तो आप जलिए फिर देखिए आग का चमत्कार क्या होता है ये जो आपके हृदय में बिजली पैदा हो रही ना भजन से आप राधा 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 देखो पानी के घर्षण से बिजली पैदा हो जाती है जड़ जल के घर्षण से और आपकी जिव्या सच्चिदानंद का बार बार स्मरण कर रही राधा 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 इसकी रगड़ से आग पैदा होती बिजली पैदा होती पहले जब यज्ञ होती थी तो यज्ञ अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए अरण्य मंथन होता था अरण्य मंथन से अग्नि प्रकट की जाती बड़ी पवित्र अग्नि फिर उसमें देवताओं को आहुति दी जाती थी यह हमारी जिव्या और नाम ये अरण्य है बार बार राधा 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 इससे अग्नि पैदा होगी विराहा ऐसी अग्नि पैदा होगी सब कर्म संस्कार भस्म हो जाएंगे अनंत जन्मों के संचित कर्म भस्म करके अग्नि आपके हृदय की वासना दुर्वासना सबको भस्म करके सब साद जितनी भी वासना है सदवासना भी असद वासना भी, भी। सबको भस्म करके महान प्रेम रस महान बोध आपके हृदय में हो जाएगा पर जहां नाम जब शुरू करते हो आग जलाना शुरू करती है तो हम बेचैन होने लगते हैं हम किसी न किसी इंद्री के विषय को धर्म विरुद्ध आचरण को कर बैठते हैं जिससे बिजली शांत हो जाती है आप इस बात को पकड़िए जल जड़ है उसके घर्षण से कितनी पावरफुल बिजली पैदा होती कितनी शक्तिवान बिजली पैदा होती और आप जब इस जड़ जिभ्या पे महा नाम का आप बार बार रटन करेंगे तो एक महा महिमा चिन में चिन्ह में बिजली पैदा होगी चिन्ह में ऊर्जा शक्ति पैदा होगी जो आपकी समस्त वासनाओं को भस्म कर देगी एक श्वास उस आग में आहुति कीजिए परमात्मा देव की बड़ी भारी यज्ञ हो रही है जहां आपके अंदर विकलता होती है अब मन भजन में नहीं लग रहा है अब तो ऐसे ये सब बातें नहीं नहीं लग रहा ना लगने दो आप तो अपनी बिजली पैदा करो वो इतनी आग पैदा हो जाएगी सब भस्म कर देगी किसी से सहायता मांगने की जरूरत नहीं है किसी से कृपा मांगने की जरूरत नहीं है आपको जो नाम मिला है आप अपनी जिभ्या पे रगड़िए अरण्य मंथन में दो होते हैं दोनों के रगड़न से फिर वो आग पैदा होती है ये नाम चिदानंद में है और जिभ्या पे रगड़िए बार 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 राधा 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 कृष्ण 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 फिर देखे कैसी आग पैदा होती है सावधान हो करके इस बिजली को बचाइए ऊर्जा शक्ति को बचाइए आप जो बहुत प्रपंच देख करके प्रपंच सुन करके गंदी बातें चिंतन करके गंदी चेष्टाएं करके आप अपनी आध्यात्मिक बिजली को आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करते हैं इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पाते अध्यात्म विनिवृत्त कामा आप कामनाओं के त्यागी तभी बनेंगे जब आपके अंदर पावर आएगा आप अपने भजन पावर को बचाइए पचाइए बढ़ाइए कामना सच्ची कहते हैं हर बात दिखाते हैं इस मन को कहीं तो राजी हो जा कहीं नहीं राजी होता बस चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है क्यों कुछ पता नहीं चलता अभी एक उपासक पूछ रहे थे कि क्या प्रिया प्रीतम के मिलने में ऐसा होता है क्या पता नहीं क्या उत्तर इसका दे कुछ अच्छा नहीं लगता ये लोग कह रहे कि कल श्री जी की होली है उड़िया बाबा को रोक दो होली होली का उत, कैसे क्या करे कोई उत्सव कोई उत्साह नहीं रह गया वो बस ये लगता है आंख मूं दो चुपचाप बैठ जाओ शांत एकांत बस या किसी से बोलो मत कुछ मत ओ पता नहीं अंदर कैसी वृत्ति आप चाहते हैं कि यह विषय हम छोड़ दे और हम सच्ची कहते इसे साफ विषय दे दो कि यह स्वीकार कर लो वही मन जो हमें धोखा दे रहा था वही मन कहता मुझे नहीं चाहिए यह है कृपा का स्वरूप यह बताने का विषय नहीं कुछ अच्छा नहीं लगता यहां तक कि इसको जैसे हम आपको बार बार मृत्यु के भय की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि बहुत कम समय में आप भगवत प्राप्ति के उस महान सोपान पर पहुंच जाइए जहां कोई द्वंद स्पर्श नहीं करता खिलवाड़ लगती है मृत्यु को भय खिलवाड़ लगती खिलवाड़ क्योंकि बात समझ में आती किसकी मृत्यु मृत्यु का मतलब एक गाढ़ मूर्छा जन्म का मतलब एक नवीन चेतना बस इतना ही है जैसे गाढ़ मूर्छाई फिर नवीन चेतना हो गई यही है मृत्यु स्वरूप को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा शास्त्र शस्त्र है जो स्वरूप को छू सके क्या मृत्यु किसकी मृत्यु शरीर का परिवर्तन मूर्छा हुई दूसरे शरीर में के चेतना आई बोले नया जन्म हो कोई खास ये दुख सुख किसको मन को हो रहा है स्वरूप को थोड़ी हो रहा है क्या भय पर यही भय हमें निर्भय पद में यही भय हमें इस बोध में पहुंचाता है चाहे जिस मार्ग के पथिक हो इंद्रियों की विलासता में फंसे हुए आप किसी भी चिदानंद बात को समझ नहीं पाएंगे आपका ज्ञान ढका होता है यद्यपि आप चैतन्य घन हैं, फिर भी आप अपने को नहीं समझ पा रहे यहां बाहर का कोई भी सुख कोई भी विलास कोई भी उत्सव हमारे आध्यात्मिक सुख में पहुंचे बिना मुझे सुख नहीं प्रदान कर सकता ये बात बैठा लीजिए थोड़ी देर हम नाचते हैं गाते हैं फिर विषय का चिंतन करते हैं। फिर विषय में जाते हैं हमें इससे विश्राम नहीं मिलेगा जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब सब काल ब्याल को खायो यह जान श्याम श्यामापद कमल संगी शिरण हमें उस उत्सव को देखना है जहां रास में रसिक मोहन बने भामिनी सुभग पावन पुलिन सरस सौरभ नलिन मत मधुकर निकर शरद की जामिनी रास में रसिक मोहन बने भामिनी त्रिविध रोचक पवन ताप दिन मन दवन रवन कामिनी। ताल बीना मृदंग अद्भुत स्वर अद्भुत संगीत एक से एक स्वामिनी संगीत की ये सखियां घेरे हुए मेरे प्रियालाल अद्भुत नृत्य कर रहे हैं परम पावन यमुना के तट पर शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है ऐसी ऐसी लीला में हमें पहुंचना है ऐसे उत्सव में पहुंचना है पर उस उत्सव में इस देह से हम जा नहीं सकते देह राग युक्त मन से हम वहां पहुंच नहीं सकते भोगी विलासी अपवित्र मन चिंतन के योग्य भी नहीं होता ऐसी लीला के चिंतन के योग्य भी नहीं होता हम कैसे उत्सव मनाएं हम कैसे उत्साह करें पहले हमारा मन इस उत्सव में प्रवेश पावे देखे सुभग पावन पुलिन सरस सौरभ नलिन आह कैसे कैसे नील पीत श्वेत कैसे कैसे कमल खिले हुए हैं यमुना जी में कैसी सुगंध से मतवारे भवरे गुंजार कर रहे कैसा सुंदर जल की तरंगों से कमल हिल रहे हैं कैसे सारस चकवा चकवी यमुना के तट पर विहरण कर रहे हैं एकदम मानो पिसी हुई कपूर या मोती बिखेर दी गई हो ऐसी बालू और उस बालू का मंच पर हमारे प्यारी जू और प्यारे जू अनंत सहचरियों के साथ सुंदर राश खेल रहे कई सुंदर वन विहार कर रहे हैं सुंदर बसंत उत्सव हो रहा है कई सुंदर झूला लीला हमारा यहाँ प्रवेश हो ये जो हमारी विकलता होती है वो ये बताने के लिए होती है कि हम बाहरी उत्सव को विश्राम मान करके यदि हम राजी रहेंगे तो हम इस उत्सव में प्रवेश नहीं हमारा विश्राम स्थल ये उत्सव है श्री राधा जुग चरण निवास हम कहीं भी हमारा विश्राम स्थल गोरे चरण अरविंद है क्या हमने देखा गोरे चरण अरविंद क्या हम पहुंचे प्यारी जू के चरणों के समीप ये बस ये हमें स्वयं से देखना है हमें बाहर से बात नहीं करनी हमें स्वयं से देखना है हमारे अंदर यदि प्रियालाल की वो दिव्य लीलाएं दिव्य झाकी वो दिव्य संगीत तो फिर ये सुनने को ही अच्छा नहीं लगेगा फिर वो, वो एक अलग देश में रहता है इसलिए हम जहां हैं हमारी स्थिति बंदनीय नहीं है जहां है ये हमारी स्थिति राजी होने की नहीं है हम असंतुष्ट हुए अपनी स्थिति से और आगे बढ़ें हम अपने स्वरूप को देखें जिससे हम सहचरी भाव की उपासना में गुरु कृपा से आए तो कभी तो हम देखें कि हम कैसी सहचरी हैं कभी तो हम देखें कि हम सहचरी स्वरूप से अपने स्वामी की सेवा में यदि हमें ऐसा अनुभव नहीं हो रहा तो कम से कम इस अनुभव के लिए हम विकल्प तो हो जाएं इस अनुभव के लिए हम तत्पर तो हो जाएं इस अनुभव के लिए हम सर्वस्व त्याग के लिए तड़पने तो लगें इस अनुभव के लिए हम अपना माना हुआ सर्वस्व झोंक दें इस आग में ऐसी हमारे अंदर आग लगे इसलिए सावधान होते हुए हम आगे बढ़े पूज्यपाद श्री उड़िया जी महाराज कह रहे हैं जिसकी परम शुद्धा भक्ति होती है वो निरंतर अपने इष्ट का नाम जपता रहता है इष्ट की लीलाओं का गायन करता है इष्ट की लीलाओं का ही चिंतन करता है उसके हृदय में इष्ट की रूप माधुरी प्रकाशित हो जाती है जो शुद्धा भक्ति है उसका स्वरूप है कि शुद्धा भक्ति का उपासक निरंतर अपने इष्ट का नाम जप करता रहता है इष्ट की लीलाओं का गायन करता रहता है इसके प्रभाव से इष्ट की रूप माधुरी उसके हृदय में आने लगती है देखो क्या आपके हृदय में रूप माधुरी आ रही है यदि नहीं तो तड़पो ना बेचैन होना प्रार्थना करो ना कैसे तुम्हें भरपेट भोजन अच्छा लगता है कैसे तुम्हें नींद आती है कैसे तुम्हें विनोद भरी बातें के, के हंसना अच्छा लगता है बताइए मृत्यु का शिकार शरीर इसकी विलासता में आप विनोद मान रहे इसकी विलासता में आप राजी हो रहे आपको बेचैनी नहीं हो रही आप कैसे उपासक हैं आप कैसे भगवत प्राप्ति के मार्ग के पथिक है विचार कीजिए एकांत में थोड़ा चिंतन कीजिए उस उपासक के हृदय में रूप माधुरी आती है उसका हृदय श्रीधाम वृंदावन बन जाता है आहा हृदय निकुंज बन जाता है और प्यारी जो प्यारे जू अद्भुत लीला विलास करने लगते हैं भक्त सावधान रहे यदि उसके इष्ट की कोई निंदा करे तो उसे चुपचाप सहन कर लेना चाहिए यद्यपि नीति कहती है कि उसका विरोध करना चाहिए लेकिन प्रीति कहती है चुपचाप सह जाना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि इसकी बुद्धि शुद्ध हो इस निंदक की बुद्धि शुद्ध हो और इसका कल्याण हो यह शुद्धा भक्त का लक्षण है नीति कहती है इष्ट की निंदा करने वाले को विरोध करना चाहिए पर पूज्य बाबा कह रहे हैं शुद्धा भक्त को चाहिए कि वो विरोध ना करके मौन हो जाए और अपने इष्ट से प्रार्थना करे कि इस निंदक की बुद्धि शुद्ध हो और इसका कल्याण हो इसका मंगल हो ये ये बहुत अपनाने योग्य बात है क्योंकि प्रायः सृष्टि में ऐसे जन मिलेंगे जो इष्ट गुरु का उपहास निंदा आदि करने वाले हों पर हम उनसे द्रोह ना करें हम उनसे वैर ना करें क्योंकि हमारा भाव है कि सब में हमारा ही प्रीतम है हमारी निष्ठा की परीक्षा के लिए सामने से निंदा कर रहा है कि देखे तुम्हारी कैसी गुरु निष्ठा कैसी इष्ट निष्ठा तुम तो अपनी निष्ठा को और बलवान बनाए और भावना करें कि हे इष्ट देव हे गुरुदेव आप ही स्वरूप में हो यदि ऐसा नहीं तो आप इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो इसका मंगल कर दो प्रभु इसे अपने चरणों का दास प्रदान करो ऐसी भावना यदि आप उसका विरोध करने लगेंगे तो आपका भाव छीण हो जाएगा इसलिए विरोध ठीक नहीं है क्योंकि उससे द्वेष हो जाएगा उदासीन हो जाइए उससे कोई संबंध न रखिए पर उसके प्रति मंगल भावना रखी ये हमारी शुद्धा भक्ति का स्वरूप है हम उसके प्रति भी मंगल भावना करेंगे भगवान इसकी बुद्धि शुद्ध करे भगवान इसका मंगल करे करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह की हो जो अनसहन करके निंदा करते हैं द्वेष करते हैं बुराई करते हैं अवहेलना करते हैं ऐसे लोगों को भी प्रणाम भगवान इनका भी मंगल करें इनकी बुद्धि शुद्ध हो ये कभी दुख न प्राप्त करें ऐसी भावना रखनी चाहिए क्योंकि प्रेमी महाभागवत का यही स्वरूप है उमा संत बढाई, मंद करत जो करे भलाई वो तो मंद कर रहा है और ये भला कर रहा है हम उसका संग न करें उदासीन रहे ये सामर्थ्य भगवत प्रेमी महापुरुषों में पाई गई है देखो भगवान से भी बढ़कर भगवान की स्मृति है प्रियालाल से भी बढ़कर के प्रियालाल की स्मृति है पूज्य बाबा कह रहे हैं देखो प्रभु के होते हुए किसी का दुख दूर नहीं हुआ प्रभु के होते हुए किसी का दुख दूर नहीं हुआ लेकिन प्रभु की स्मृति होने पर समस्त दुखों का नाश हो जाता है इसलिए प्रभु से भी बलवान प्रभु की स्मृति है स्मृति हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम भगवत स्मृति और इसके लिए किसी की कृपा की जरूरत नहीं जो गुरुजी ने नाम दिया मंत्र दिया इससे बड़ी क्या कृपा होगी बार बार इसका स्मरण करो आप देखो विचार करो महापुरुष जन कह रहे भगवान के होते हुए भी हमारे दुख दूर नहीं हुए लेकिन भगवत स्मृति जागृत होते ही समस्त दुखों का नाश हो गया समस्त दुखों का अंत हो गया इसलिए आप भगवत स्मृति को पकड़ें दुख उसी का दूर होता है जो भगवत स्मरण प्रायण होता है भगवत विस्मृति को दूर फेंक दो केवल भगवत स्मृति में रहो देखो कैसे आनंद का आपको अनुभव होता है आनंद भगवान की याद में है सारी साधना का सार है प्रभु की याद में डूबना हृदय में यदि राग है भय है क्रोध है तो कहां तुम प्रभु को याद कर रहे हो यदि किसी व्यक्ति विषय का राग है कोई भय है क्रोधादि विकार है इसका मतलब आप प्रभु की स्मृति में नहीं हो क्योंकि ये विकार प्रभु की विस्मृति में होते हैं प्रभु की स्मृति में आनंद ही आनंद है सदैव स्मृति परायण रहो स्मरणशील रहो हर समय भगवत स्मृति में डूबो नित्यानंद की अनुभूति स्मरण करने वाले को होती है जिसका चित्त जगत के राग द्वेष से युक्त होता है वो भोगी भगवदी आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसका चित्त जगत के राग द्वेष से युक्त होता है वो विषयी पुरुष भगवदानंद की कल्पना भी नहीं कर सकता कैसा होता है भगवदी आनंद कैसी होती भागवतमयी स्थिति कैसी कैसी भूमिकाएं हृदय में आती वो स्मरण भी नहीं कर सकता भगवत भक्ति में मुख्य बात है सावधानी की कि किसी भक्त का अपराध न बन जाए इसका भक्त पूरा ध्यान रखे कहीं किसी वैष्णव का अपराध न बन जाए यदि हमारा भजन का भाव कम हो रहा है भजन रुक रहा है हमारा चित्त बहुत ही विषयी हो रहा है विषय अच्छा लगने लगा है तो खोजो आपके द्वारा कहीं ना कहीं कोई वैष्णव निंदा हुई है कहीं न कहीं वैष्णो अवहेलना हुई है श्रीधाम वृंदावन का आश्रित वृंदावनवासी भगवत उपासक थोड़ी देर के लिए खान पान आदि से भजन का थोड़ा सा बाधित होना तो मान सकते हैं लेकिन विषय प्रियता भजन रुक जाना ये सब अपराध के लक्षण है पूज्य बाबा कह रहे हैं भक्त को सावधान रहना चाहिए आजीवन किसी भक्त की निंदा न हो कोई भक्त अपराध ना बने ये बहुत गूढ़ बात है खास बात है इस पर ध्यान दे साधन भक्ति और सिद्धा भक्ति साधन भक्ति करने के समय मैं भक्ति कर रहा हूं भगवान की या प्रभु की ऐसा भाव रहता है लेकिन जब ये भक्ति सिद्ध हो जाती तो केवल प्रभु रहते मैं भक्ति कर रहा हूं यह बात खत्म हो जाती है। ये केवल प्रभु एक रहे नंद नंदलाल अपनी हु सुधी ना रही एक रहे नंद नंदलाल ऐसी स्थिति होती है बढ़ो पहले साधन भक्ति को सुरक्षित करो फिर आप इस भक्ति को प्राप्त हो जाएंगे कि साधन करने वाला भी नहीं रह जाएगा केवल साध्य साध्य महापुरुषों ने कहा जब मैं खोजने चला तो वो मिला नहीं जब वो मिला तो मैं नहीं रह गया खोजने वाला नहीं रह गया जब मैं था तब तो हरि नहीं अब हरि है मैं ना है। ये है भक्ति का पूर्ण स्वरूप केवल आराध्य देव छा जाते हैं मन में बुद्धि में चित्त में आम में प्रभु का जो भक्त है वो अपने हृदय में छुपाए हुए प्रभु को घूमता रहता है मत वाला हृदय बिहारी हृदय में है घूमता रहता है आनंद में उन्मत्त होकर जब उसकी दृष्टि खुलती है तो बाहर वो देखता है सर्वत्र उसी का प्रीतम वही अगर ये छह बातें जीवन में उतार लो तो ऐसी तुम्हारी स्थिति हो जाएगी भीतर हृदय बिहारी आ खोलो तो बाहर सब रूप धारण की वही विराजमान है इस स्थिति के लिए पूज्य बाबा कह रहे हैं कि अगर आप ये छह बातें स्वीकार करें तो बहुत जल्दी ये स्थिति आ जाएगी कोई कितना भी तुम्हें क्रोध दिलाना चाहे तुम कभी गुस्सा मत होना पहली बात धारण करो यदि बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो पहली बात स्वीकार करो कोई कितना भी छेड़ेगा तो संसार छेड़ेगा आपको ऐसे आचरण ऐसा व्यवहार ऐसी वार्ता ऐसी चेष्टा करेगा जिससे आप नाराज हो जाओ आप क्रोध कर बैठो यह आपकी परीक्षा होगी प्रभु ने तो इतना तक कहा एकादश स्कंद में कोई के गला दबा दे कोई आपको पीट दे थूक दे आपके ऊपर लघु शंका कर दे बांध दे कई तरह के ऐसे एक साथ सब कष्ट दे तो भी आप विचलित मत होना कितनी बड़ी बात है कोई हमारे ऊपर लघु शंका कर दे थूक दे हमें मारे पीटे बांध दे फिर भी हम गंभीर शांत अपनी निष्ठा में रहे कि सर्वम खलमेदम ब्रह्म ने नानास्तिक किंचन एकमात्र प्रभु है होगा कोई शरीर का प्रारब्ध इसलिए पवित्र किया जा रहा है शांत एकदम क्रोध नाने पावे ये ये बहुत जल्दी हृदय और बाहर सर्वत्र प्रभु दिखाई देने लगेंगे पहली बात कोई कितना भी तुम्हें विचलित करना चाहे तुम्हें गुस्सा नहीं आनी चाहिए अब आप देख लीजिए वो गाली देगा वो अपमान करेगा निंदा करेगा हमें गुस्सा नहीं करना नियम ले लो यदि भगवत प्राप्ति करनी क्षमा कर दो गुस्सा मत करो विवेकवान बनो किससे गुस्सा करोगे जिसकी आराधना कर रहे हो वही तो तुम्हारे साथ छेड़खानी कर रहा है वही तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कर रहा है सच्ची माने वही कर रहा है बिल्कुल में आ जाए। अगर कहीं चूक हो जाए तो फिर उसी से प्रार्थना करो कि हमें ऐसी सामर्थ्य दो गोविंद कि मैं पहचान पाऊं कि ही हो उमा जे राम चरण रत विगत काम मद कोह निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध यही तो संत की महिमा है यही तो भक्त की महिमा है यही तो भगवान के शरणागतों की महिमा है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उन्हें क्रोध नहीं आता वो अपने प्रभु की भावना में मगन रहते हैं अगर हमें यह स्थिति लानी है कि हमारे हृदय में भी बिहारी जू और बाहर खोलो तो भी जू दिखाई दे तो सबसे पहली बात साधन मार्ग में चलने पर हमें कोई कितना भी विचलित करना चाहे हम गुस्सा ना करें हम क्रोध ना करें दूसरी बात एक सेकेंड भी व्यर्थ ना खोए कभ काल ब्रथा नहीं जाए सेवक जी भी महाराज कहते एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए हरिवंश नाम विसरे न छिन श्री हरिवंश सहाय भल कभी गुस्सा किसी भी तरह से न करें और एक मिनट एक क्षण भी हम अपने इष्ट से बिलक व्यतीत न करें समय को व्यर्थ न जाने दें तीसरा चाहे जितनी भोग सामग्री की बाहुल्यता हो आवश्यकता से अधिक भोगेना शास्त्र के विरुद्ध भोगे ना ये नियम ले ले चाहे जितनी सुख सुविधाएं आ जाएं, प्रारब्ध भोग उपस्थित हो जाए सुखद आवश्यकता से अधिक वस्तुएं भोगे ना शास्त्र के विरुद्ध भोग प्रारब्ध के अनुसार आए पर हम उन्हें भोगे ना चौथी बात कभी हम किसी बात का अभिमान न करें अपने को सबसे हीन समझे दैन्य भाव लाए अभिमान न करें पांचवा निरंतर इष्टाकार वृत्ति करने की चेष्टा करें एक एक वृत्ति अपने इष्ट में इष्टाकार इतनी तन्मय वृत्ति हो जाए कि हमारे चित्त की एक एक वृत्ति कृष्णमय हो प्रभुमय हो जैसे श्री गोपीजनों की मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति सारी चेष्टाएं हो रही घर लीप रही धान कूट रही बच्चों को दुलार कर रही सब सेवाएं कर रहे लेकिन भगवत चिंतन परायण कभी कभी ये भेद खुल जाता उनका कि उनकी कैसी गाढ़ स्थिति है कह रहे है, बेचने जा रहे दही और कहना चाहती कोई दही ले ले दही निकलता है कोई गो, गोविंद ले ले कोई दामोदर ले ले कोई माधव ले ले ऐसा बिक्री तुकामा खिलगोप कन्या मुरारी पित चित्तवृत्ती दध्यादि कमोह वसाद वो चद गोविंद दामोदर माधवेती इष्ट कीर्तन मेहता एक एक वृत्ति इष्टाकार और छठवी पूर्ण सदगुरुदेव के चरणों में अनन्य भाव से आश्रय सदगुरुदेव के चरणों का पूर्ण आश्रय इन छह बातों से ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है पहला किसी के कितना भी गुस्सा दिलाने पर हमें गुस्सा ना आवे दूसरा एक क्षण भी समय व्यर्थ ना जाए तीसरा चाहे जितनी भूख सामग्री हो हम आवश्यकता से अधिक न भोगें और धर्म विरुद्ध न भोगें चौथा कभी अभिमान ना आने पावे पांचवा एक एक वृत्ति इष्टाकार कर दे छठवा पूर्ण सदगुरुदेव का आश्रय अनन्य भाव से सदगुरुदेव के चरणों की शरण भक्ति निष्ठा का अर्थ है सबसे छोटा बन जाना यहां तक कि झाड़ू के तिनके से भी अपने को छोटा मानना सबको अपने से बड़ा मानकर पूज्य भावना करना यह उत्तम भक्ति का स्वभाव है स्वरूप है निष्ठावान बनो निष्ठा रखो अपनी निष्ठावान संतों का संग करो अपनी निष्ठा का चिंतन करो अपनी निष्ठा से युक्त होकर अपने आराध्य देव के रूप का चिंतन करो जो निष्ठा ली है उसी तरह की उपासना में रत रहो सब प्रकार से तुम्हारी निष्ठा सुरक्षित रहनी चाहिए ये ध्यान रखो दूसरे की निष्ठा का प्रभाव हमारे ऊपर आए ना दूसरे की निष्ठा की हम अवहेलना निंदा करें ना और अपनी निष्ठा से विचलित होना एक बार जो गुरुदेव ने हमें उपासना दी मंत्र दिया हम उसे आजीवन पूर्ण निष्ठा के साथ स्वीकार करें दूसरी ओर बुद्धि को ना लगावें उपासना में जिसका भाव किया जाता है जब तक तल्लीन ना हो जाए तब तक विश्वसनीय नहीं होता जिससे आपने भाव किया मैं सहचरी हूं और जब तक सहचरी भाव से हम प्रियालाल में तन्मय नहीं हो जाते तब तक कभी उपासना विश्वसनीय नहीं हुई कहीं भी हम फिसल सकते हैं कहीं भी हम भ्रष्ट हो सकते हैं इसलिए सावधान रहे और जब अपने स्वरूप का अनुभव हो गया तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ने कहा राधा दासी भाव में इतनी सामर्थ है कि स्वयं विश्व मोहिनी भगवान जो मोहिनी अवतार धारण किए वो आ जाए तो भी वो मोहित नहीं हो सकता क्योंकि राधा दासी भाव को अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया तो राधा दासियों का ऐसा महा महिमा में भाव है कि चाहे भगवान मोहिनी आ जाए उसके हृदय में काम पैदा नहीं कर सकते उसका आकर्षण नहीं हो सकता क्योंकि वो ऐसे महा आकर्षण में जो प्रभु को आकर्षित करती हैं, वो हमारी स्वामी जो हैं, उनके चरणों का आश्रय लिए तो जब तक हमारा भाव परिपक्व ना हो जाए तब तक विश्वसनीय नहीं है आप कहीं भी गिर सकते हैं इसलिए आप तन्मयता अपने भाव सिद्धि की तरफ लाइए कि आपको अनुभव हो प्रभु ने जो हमें प्रदान किया वो बहुत दे दिया है देखो बहुत दे दिया है हम उसका आदर करें देखो प्रभु ने हमें धाम दिया नाम दिया सत्संग दिया संत महात्माओं की कृपा दी अब हम क्या करें जो दिया है उसी को हम पहले अनुभव मिलाए, उसी को खूब चिंतन करें हमें और मांगने की जरूरत नहीं पूज्य पंडित गया।, गया यदि आपको भजन का समय दे दिया तो इससे बढ़कर के अब इनके पास कुछ नहीं है आपको नाम दे दिया नाम जपने का समय दे दिया अब इनसे मत मांगना इनके पास और कुछ नहीं इससे बढ़कर अर्थात आपको बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई आपको भजन का समय दिया जो कृपा पात्र जन होते हैं उन्हीं को भजन का समय दिया जाता है नहीं तो विषयी पुरुषों को समय ही नहीं दिया जाता माया समय नहीं देती आप सत्संग सुन लें आप नाम जप कर ले आप लीला गायन ये समय नहीं दिया ये तो भाग्यशालियों को कृपा पात्रों को समय मिलता है आपको प्रभु ने बहुत बड़ा धन दिया है नाम जपने के लिए आपको समय दिया अब आप निरंतर रटिए प्रभु से और कोई चाह ना कीजिए पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के पावन चरित्र का अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। मनन करते हुए आचरण में उतारने की चेष्टा करें पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज संबद्ध उन्नीस में आषाढ़ मास में रामघाट पहुंचे कुछ दिन यहां भी रहने का सौभाग्य मिला जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे स्वाभाविक वैराग्यमय स्थली है यहाँ स्वाभाविक ऐसी पक्षियों की चेचाहट संध्या के समय ऐसी सुंदर सुंदर पक्षी नीचे बिल्कुल गंगा जी बेरी खूब सुंदर सुंदर लताए और बहुत ही वैराग्य के परमाणु वहाँ मतलब स्वाभाविक हृदय में वैराग्य छा जाए कि दूर दूर तक लता पता और सामने देखो तो परम पावन गंगा जी की धारा तो बाबा आषाढ़ रामघाट पहुंचे वहां की वनस्थली एकांत गंगा तट का मनोहर दृश्य मुग्ध शांति का महान रस और दिव्य वो भूमि देख करके बाबा ने वहां रहने का निश्चय किया बनखंडी महादेव जी का स्थान सदा से ही वहां संतु का निवास स्थान रहा है विरक्तों की विहार स्थली कही जाती है रामघाट गंगा किनारे जो है वहां एक ब्रह्मचारी श्री हीरानंद जी आकर के बाबा से मिले और भगवत वार्ता की बाबा के ऊपर अपार श्रद्धा हीरानंद जी की हुई एक ऐसे तपस्वी जिनका नाम बाबू राम सहाय कहते थे पर वो बहुत ही विचित्र कोटि के महात्मा थे कहते उनको बाबूजी थे दिगंबर रह कर के पास में ही हनुमान जी की कुटी है वहाँ रहते थे दिगंबर और राम घाट में ही दिगंबर रहते बहुत दिन तक मौनी दिगंबर एकदम व्यवहार शून्य फिर बहुत दिन तक उन्होंने आटा मांग के लाते मनो मनोरूटियाँ बनाते और गंगा किनारे जो विरक्त भजन करते उनको देते बहुत ही विवेकवान बाहरी ये सब साधारण बातों में उनकी श्रद्धा नहीं थी ठोस श्रद्धा विवेकवान महाराज जी दसियों वर्ष ऐसे एकांत तप में ये जब उन्होंने चर्चा सुनी बाबू राम शाह ने कि तपो में अभ्यास में अथाह पुरुषार्थ में जीवन व्यतीत करने वाले महापुरुष पधारे हुए हैं तो बड़े विचित्र मूर्ति थे ये ऐसे ही संतों के दर्शन के लिए लालायित रहते थे अगर कोई ऐसे ही साधारण होता तो डांट भी लगाते थे फटकार भी देते थे बैरागी वेश धारण के हो भगवत मार्ग के पति को ऐसा जीवन जी रहे उनकी फटकार होती थी जल्दी उनसे कोई मिलता भी नहीं था वो विरक्त शिरोमणि हीरादास जी से खूब सत्संग करते थे उनके नेत्रों में महान विरक्तों की मूर्तियां मानो गढ़ी हुई थी और वो ऐसे ही विरक्तों के दर्शन करना चाहते थे वो उनका जीवन बड़ा ही भगवत स्वरूप था वो बाबा के पास आए बाबा जी को प्रणाम किया महाराज जी के पास जब पहुंचे तो मिलते ही आपने प्रश्न किया कि संसार स्वप्न है परंतु जिसे स्वप्न हुआ है वो कौन है बाबा से प्रश्न किया बाबू राम साहब जी ने ये संसार एक स्वप्न है पर यह जिसे स्वप्न हुआ है वो कौन है पूज्य बाबा से प्रश्न महाराज जी ने कहा उसे तुम कैसे जानोगे तुम तो स्वाप्निक पुरुष हो तुम स्वाप्निक पुरुष हो तो तुम कैसे जानोगे जगे होते तो तुमसे बात करते तुम स्वाप्निक पुरुष हो स्वप्न जो संसार का है तुम स्वाप्निक पुरुष हो तुम ही तो देख रहे हो अगर जगे होते तो तुमसे बात करते कोटि के महापुरुषों का उत्तर है उसे तुम कैसे जानोगे तुम तो स्वप्न पुरुष हो और जो जगा हुआ वो स्वप्न का दृष्टा है तुम तो इस समय स्वप्न में लिप्त हो बाबूजी ने कहा कि यदि हम स्वप्न पुरुष हैं तो उस स्वप्न दृष्टा के जागने पर ही हमारी मुक्ति हो जाएगी फिर हमें साधना क्या करनी है यदि हम स्वप्न पुरुष हैं तो स्वप्न पुरुष जब जगेगा तो स्वप्न दृष्टा वो हो होगा उसी समय वो मुक्त हो जाएगा उसको साधना करने की क्या जरूरत है महाराज जी ने कहा साधना के द्वारा ही तो जाग पाओगे साधना के द्वारा ही तो जग पाओगे ऐसे तो स्वप्न ही देखते रहोगे वास्तव में वो स्वप्न दृष्टा तुम ही हो यह संसार तुम्हारा ही संकल्प है तुम्हारा ही स्वप्न है ये जानने के लिए तुम्हें उपासना करनी होगी साधना करनी होगी जिस समय तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा उसी समय आप जीवन मुक्त हो जाएंगे बहुत आकर्षित बाबा केवल उपदेश ही नहीं दे रहे थे क्योंकि मूर्तिमान साक्षात उपदेश के स्वरूप थे तो देखते देखते ही बाबू राम साहेब जी समझ गए कि बाबा किस कोटि के महापुरुष हैं बड़े बड़े फकीर महात्मा साधु संतों का ये सेवन किए हुए थे अगर कोई कहता इनसे बाबू राम साहेब जी से कि देखो वो साधु मौन है तो कहते इसमें आश्चर्य की बात क्या है आश्चर्य तो यह है कि साधु होकर बात करता है प्रपंच की यह आश्चर्य की बात है इसमें आश्चर्य की बात साधु मौन है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है आश्चर्य की बात यह है कि साधु होकर वो प्रपंच की बात करता है यह आश्चर्य की बात है ऐसे एक वहां आए शांत और कहा कि ये भूमि तो बहुत वर्धक है ये तो बहुत सुंदर उन्होंने फटकार कि तुम भूमि के आनंद में हो कि भूमा के आनंद में हो मतलब ठीक ये एक एक शब्द पर शासन करने वाले जो आंतरिक साधना से युक्त तो तुम भूमि के आनंद में डूबने वाले हो या भूमा के आनंद में डूबने वाले हो यदि बाहरी प्रकृति आपको आनंद देती है तो आप उस प्रकृति के अतीत स्वरूप का आनंद कहां लिए हो अगर स्वरूप का आनंद लिए तो घोर स्मशान में भी महामंगल हो रहा है क्योंकि सर्वत्र वही आनंद है दूसरा है नहीं आप इस बात पर बहुत जोर देते थे कि साधक हर समय भगवत दृष्टि पर दृष्टि रखे भगवत दृष्टि हर समय भावना पे रहे हर समय उपासना पे रहे व्यर्थ की बात नहीं लोक व्यवहारिक बात साधु से साधक के द्वारा अगर होती है वो ठीक नहीं है वो उसकी उपासना को बहुत अच्छा भोजन बना बहुत अच्छा दृश्य है बहुत अच्छा वातावरण ये सब विषय लोगों का होता है साधु हर समय भगवत दृष्टि में रहता है वो कहीं भी बैठे कहीं भी बात करे उसके विषय रमययंत चे तुष्यंत चे कहा प्रभु में वो मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम माम वो प्रभु में रमण करता है प्रभु में ही तृप्त रहता है वो प्रभु को ही देखता है प्रभु को ही सुनता है राम शाह जी ने जब देखा बाबा की अखंड समाधि अटूट आत्मनिष्ठा बस अपने जीवन को समर्पित कर दिया कि अब पूरे जीवन हम इन्हीं की सेवा में रहे और ये ऐसे थे कि बाबा की भी बात नहीं मानते थे बाबा की सेवा में जैसे बाबा को प्रसाद पवा रहे हैं उस समय चाहे कोई भी आवे शंकराचार्य भी आवे तो डांट लगा देंगे ऐसा होता था जैसे कोई भी आया तो डांट और जब बाबा इनसे कुछ कहते तो चुप रहते लेकिन बाहर वाले ऐसे तपोनिष्ठ थे तो एक बार ए, कोई महापुरुष आए तो उन्होंने सोचा कि बाबा के पास ऐसा क्रूर शोभा वाला सेवा में रहता है पर जब उनसे एकांत मिले उनकी स्थिति देखी तब तो उन्होंने स्वयं वर्णन किया था कि बाबू राम सहाय जी का जो बाबा के प्रति प्रेम और जो उनकी आत्मनिष्ठा है बाहरी कोई नहीं जान सकता क्योंकि बाहर से इतने कठोर रहते हैं कि लगता था कि महापुरुष के पास ऐसा भी व्यक्ति रहता है लेकिन अंतर की उनकी आत्मनिष्ठा और बाबा के प्रति उनका प्यार आजीवन अपने को समर्पित कर दिया बाबू राम शाहे जी बाबा की सेवा और ये निजी श्रीयंग सेवक रहे बाबा के अहम भाव को छोड़ करके अपनी वृत्ति को बार बार प्रभु में लगाओ सांसारिक भोगों की तरफ जो आपकी प्रवृत्ति बन रही वृत्ति बन रही उसे प्रभु की तरफ लगाओ आपका ध्यानाभ्यास बढ़ेगा आपकी भगवदाकार वृत्ति रंग लाएगी सब प्रकार के विषयों का चिंतन हट जाना एकमात्र आराध्य देव का चिंतन देना ये ब्राह्मी स्थिति है ये उठते बैठते चलते फिरते सब समय रहती है बैठे परे उताना कबीर कायम राय ठिकाना संपूर्ण वृत्ति से विषय चिंतन खत्म हुआ एकमात्र भगवदाकार वृत्ति उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय देखो यही सार है पकड़ो इसे वृत्ति का विषय शून्य हो जाना वृत्ति का चेष्टा की तो बात जाने दो अंदर किसी भी वृत्ति में कोई भी विषय चिंतन नहीं एकमात्र आराध्य देव का चिंतन चाहे वो आत्मचिंतन चाहे वो श्यामा श्याम का चिंतन जिसकी वृत्तियां शांत हो गई हैं वो परम पद में स्थित है आहा न आकांक्षती कोई चाह नहीं कोई सोच नहीं कोई शोक नहीं एकमात्र इष्ट का चिंतन परम पद में विराजमान ललचाओ ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए ललचाओ सर्वेच्छा सकला हा सर्वनिश्चया धिया एन परित्यक्ता सजीवन मुक्त उच्यते कोई इच्छा नहीं अब कोई प्रश्न नहीं आ सर्वनिश्चय एकमात्र प्रभु जीवन मुक्त हो गया बस इतना ही समस्या है इच्छा शंका और बहुत प्रकार की सुख बुद्धि इसका त्याग हो गया वो जीवन मुक्त हो गया चिदानंद सच्चिदानंद प्रभु में स्थित होने के लिए सर्व संकल्प त्यागी कोई इच्छा नहीं देखो जब तक आप शरीर माने रहोगे तब तक ये इच्छा रहेगी जब तक इच्छा रहेगी बंधन चलता रहेगा बिन संतोष न काम न शाही अछत अच्छा काम सुख सपने नाही संतोष कब आएगा जब आप अपने धन को जान जाएंगे आप अपने स्वरूप को जान जाएंगे आप अपने प्रीतम से परिचय प्राप्त कर आपको संतोष हो जाएगा ये भटकना बंद हो जाएगा जीवन मुक्त अवस्था किसे कहते हैं जिसमें कोई इच्छा नहीं रह गई कोई प्रश्न नहीं कोई शंका नहीं रह गई सार्वनिश्चयों का निश्चय एकमात्र प्रभु के चरणारविंद या आत्मस्वरूप वो जीवन मुक्त कहा जाता है ऐसी विचार दृष्टि ऐसी चित्तवृत्ति की स्थिति चाहो अंदर सबको चाहना कि मेरी बुद्धि का निश्चय एकमात्र प्रभु हो कोई इच्छा ना हो कोई शंका ना हो कोई ऐसी चेष्टा ना हो सांसारिक भोगों की फिर देखो आप कहां स्थित हो अभी तो हमारी स्थिति इसी जागतिक चेष्टाओं में है जागतिक भोगों के चिंतन में है उपासना ऐसी करो जिससे सब वासना नष्ट हो जाए ऐसा भजन करो कि न स्वप्न रह जाए ना निद्रा रह जाए होता है ऐसा तमोगुण जब पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा भगवदानंद में आप तृप्त रहेंगे तो इंद्रियों को नींद की जरूरत नहीं पड़ती जब तक आप ध्यान के द्वारा इंद्रियों को खुराक नहीं दे रहे तब तक उनको नींद तमोगुण निद्रा के द्वारा विश्राम मिलता है और जो भगवत चरण अरविंद के ध्यान तो उन्हें सोने की जरूरत नहीं होती निद्रा की जरूरत नहीं होती और जब निद्रा ही नहीं तो स्वप्न कैसा वो हर समय तुरी अवस्था में भगवदानंद में मगन रहते हैं बाबा कह रहे हैं ऐसी उपासना करो जागृत में ऐसी अवस्था लाओ कि ना स्वप्न अवस्था रह जाए ना निद्रा अवस्था रह जाए सुषुप्ति और स्वप्न दोनों का त्याग करके असंग भाव से हर समय ऐसी समाधि में स्थित रहो लगी समाधि बिहार की महापुरुषों ने वर्णन किया स्वामी जी भी महाराज कह रहे हैं आओ समाधि भीतर श्री स्वामी हरिदास जी मन को ही तू मत डुला आओ समाधि भीतर आओ अंदर आ जाओ अपने स्वरूप में आ जाओ अभ्यास के बल पर हो सकता है आप जागृत में ऐसी अभ्यास करो निरंतर भजन बताया नहीं भजन में एक ऐसी बिजली होती है एक ऐसी सामर्थ्य होती है नष्ट कर देगी तमोगुण को ये नींद ये स्वप्न नष्ट हो जाएंगे आप आत्म प्रेम में भगवत प्रेम में ऐसे तनमय हो जाओ कि सहजा अवस्था जागृत हो जाए प्रचंड भजन में लगो खो जैसे कोई धन कमाने में रात दिन व्यस्त रहता है ऐसे आप भजन में व्यस्त रहो बाबा अपने साधन को और बढ़ाने के लिए चंद्रायण व्रत करने लगे बहुत ही कठिन होता है जैसे एक कवल शुरू किया प्रतिपदा से और अमावस्या तक पंद्रह कवल एक एक कवल फिर अमावस्या के बाद एक एक कवल घटाना शुरू किया फिर एक कवल में मतलब पंद्रह चौदह तेरह और फिर एक में आके बिस्तरा ऐसे एक महीना का व्रत होता है इधर से शुरू किया एक कवल और अमावस्या तक पहुंचे फिर वहां से चौदह तेरह बारह ग्यारह ऐसे एक आगे पूर्णिमा एक महीने में ऐसा व्रत होता है कठिन होता है ये महापुरुष जन करते हैं आप दिन भर सिद्धासन लगाए बैठे रहते काफी वर्ष तो लेटे ही नहीं जब विश्राम की बात आती तो कुहनी ऐसे आगे करके थोड़ा झुक जाते बिना लेटे कई वर्ष तक बाबा बिना विश्राम ऐसे रहे हर समय सिद्धासन में और सोच स्नान फिर सिद्धासन और विश्राम करना है तो बस ऐसे ये, ये है कर्णधार अपने सबके ऐसे मजबूत खेवैया प्रेमी, प्रेमी आत्मा भगवान का ही स्वरूप है सबकी आत्मा श्री कृष्ण ही है आप कहते थे कि अभ्यास के बल से क्या नहीं हो सकता तुम्हें जब तक अभ्यास में रुचि नहीं हो रही तभी तक तुम दूसरों से मांगते घूम रहे हो हमसे ये नहीं हो रहा हमसे वो नहीं हो रहा ऐसी कृपा वैसी कृपा अरे सब कृपा तुम्हें घेरे हुए अभ्यास तो में आइए और जब तक आप अपने को शरीर समझेंगे तब तक ये साधक और बोले जगा रहे हैं अलार्म कई कई बार बच के शांत हो जाता है बेचारा वो भी वो भी सोने लगता है अलार्म भी सोने लगता है अलार्म जब ऐसे किया फिर ऐसे वो फिर बजता रहता थोड़ी थोड़ी देर में कई ऐसे साधक हैं जो घंटी बजती रहती है अरे भाई साधक को अलार्म की जरूरत पड़े हमें तो आश्चर्य लगता है साधक को अलार्म की जरूरत पड़े कि हमें तीन बजे उठना है अलार्म बज जाए अरे अलार्म नहीं वो खुद दिमाग में आप ऐसा करो शाम रात्रि में जब दस बजे या ग्यारह बजे आप सयन करो आप संकल्प करो कि सुबह में तीन बजे जग जाऊं आप देखना उसी सामने घड़ी रखना तीन पे आपकी पलक खुल जाएगी आप देखना तो साधन तो करके देखो और फिर संकल्प भी नहीं करना पड़ेगा तीन बजे से नींद खत्म हो जाएगी दो बजे से नींद खत्म आप जैसा अभ्यास करेंगे और ऐसे ऐसे भी महापुरुष हुए डेढ़ घंटा दो घंटा बस ऐसे भी अगर शयन भी किए तो डेढ़ घंटा दो घंटा अरे ये नींद आदि तमोगुणी लोग इसका सेवन करते ज्यादा नींद की जरूरत नहीं है अब जब खूब दबा के पाओगे साधना है नहीं आ जमुआई ले रहे सो रहे अरे कहाँ सोने की आग लगी छाती में नींद आएगी अगर लेटे भी तो थोड़ी देर के लिए ऐसे वो गाढ़ तन में तासी हुई बस फिर उठ के बैठ गए ये कोई नींद खास वस्तु है क्या तमोगुणी वस्तु है निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्ता मसमुदा तो आप उसको इतना महत्व दिए हुए है शरीर धर्म को आप थोड़ा आगे बढ़िए बाबा कहते हैं दीर्घ काल अभ्यास करने पर रजोगुण नष्ट हो जाता है और तमोगुण नष्ट हो जाता है रजोगुण नष्ट हुआ तो स्वप्न आना खत्म तमोगुण नष्ट हुआ तो नींद आना खत्म रजोगुण नष्ट हुआ तो काम आदि दोष होना खत्म ऐसा थोड़ी कि जीवन भर स्वप्न ही दोष होता रहता है ऐसा नहीं दस्यों वर्ष हो जाते हैं और स्वप्न दोष नहीं होता आपका रजोगुण तमोगुण जितना बढ़ा हुआ है उतने जब तक आपकी मलिन कर्म है पाप जमा है तभी तक स्वप्न दोष होता है ऐसा मत समझना कि स्वप्न दोष एक शरीर की क्रिया होती ही रहती ऐसा नहीं है जब आप निष्पाप हो जाएंगे पवित्र चिंतन होगा होगा ही नहीं होगा ही नहीं सावधान बाबा कह रहे हैं भजन के अभ्यास के द्वारा आप ऐसे परिपक्व बनिए कि आपका रजोगुण नष्ट हो जाए तमोगुण नष्ट हो जाए चलो नहीं पूर्ण रूप से तो थोड़ा कम करना शुरू कर दीजिए ध्यानाभ्यासी को भगवत भजन करने वाले को निद्रा जनित जो बल इंद्रियों में मिलता है वो भजन से मिल जाता है डेढ़ घंटा सोने पर एक साधक 24 घंटे जग सकता है 24 घंटे की दिनचर्या में डेढ़ घंटा केवल विश्राम बाबा कह रहे यार डेढ़ घंटा तो दोपहर में होते हैं छह घंटा रात्रि में होते हैं <laughs> विश्राम की इच्छा नहीं रह जाती साधक के हृदय में चित्त विक्षेप शून्य हो जाता है देखो आगे बढ़ो कहां फंसे हुए अपने लोग कहां फंसे कैसे कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं बताओ कैसा जीवन कैसे अमूल्य निधि प्राप्त हुई मानव दे और हम कहां खान पान भोगों में इसको नष्ट कर रहे आधा घंटा यदि आप शरीर को भूलने वाला भजन कर लें तो आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक को आप देख लेंगे सिर्फ तीस मिनट यदि आपका ऐसा अभ्यास हो जाए कि आप तीस मिनट बैठ तीस मिनट शरीर सुधी भूल गए आप ध्यान में बैठे ये विस्मृत हो गया बाहर तीस मिनट तक आपको शरीर की सुधी नहीं इष्टाकार वृत्ति केवल प्रभु केवल स्वरूप स्थित तो आप में इतनी आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी यहां से बैठे ब्रह्म लोक तक को देख सकते हो आप सूक्ष्म सृष्टि को देख सकते हो ऐसी सामर्थ्य देखो ललचाओ ऐसी सामर्थ्य के लिए यहां ललचा रहे समोसा चटनी गुलाब जामुन के लिए आप सोचो यहां हमारी स्थिति क्या है कि अगर चार जगह हम चले जाए तो दो सौ तो हो ही जाएंगे पचास 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 और हमारी जो मानव देह की जो सामर्थ्य वो कितनी है ऐसा भी सुख मिलता है कि वो ब्रह्मादिक के भोग सब लागत है ना ब्रह्म पद चाहता है ना सम्राट पद चाहता है ना रसातल की वो कोई सुख चाहता है ना योग की सिद्धियां चाहता है कैसा अद्भुत सुख प्रदान करता है ये मानव देह जो साधन परायण है बाबा कह रहे हैं अगर तीस मिनट तक के लिए आप शरीर भूलने वाली साधना कर लेगी इतना नाम में डूबे कि तीस मिनट तक होश ही नहीं तो आपके सामने ये सूक्ष्म सृष्टिया प्रकाशित हो जाएंगी देखो पूज्य भाई जी महाराज की ऐसी दशा थी कि 20-20 घंटे हो ने तो कहां थे नित्य लीला में प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला ये सब मायाजलित लीला नहीं प्रिया प्रीतम की लीला श्यामा श्याम की अद्भुत लीला में आपने स्पष्ट अनुभव किया कि स्वभाव और शौक इस पर विजय प्राप्त करे साधक शौकीनी खान पान पहनना ओढ़ना आदि व्यवहारिक और स्वभाव इन दो पर विजय प्राप्त करे साधक शौकीनी नहीं होनी चाहिए और स्वभाव नहीं बिगड़ना चाहिए जैसे काम क्रोध आदि जिससे बिगड़ा हुआ स्वभाव इसको ठीक करे अगर स्वभाव नहीं बदला या जो परेमय सहज स्वभाव सी रस मरसाओं अगर स्वभाव नहीं पड़ा भगवत चिंतन का भगवत भजन का तो फिर ठीक कभी साधना नहीं हो रही आपके अंदर ये खाने को मिलना चाहिए पहनने को मिलना चाहिए देखने को मिलना चाहिए ये शौकी नहीं अगर ये अंदर से चाह है तो अभी क्या साधना हुई है आपकी मुट्ठी में होना चाहिए ये बातें सहजा अवस्था कोई भी विषय महत्व तो न रखे आपके चित्त में कोई भी विकार आपको हिला न सके ऐसे होना चाहिए बाबा कह रहे हैं अभ्यास देखो नए शरीर वाले साधक को आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए जो वृद्ध हैं जिनका शरीर काम नहीं कर रहा उनको विशेष दृष्टि नाम पर रखनी चाहिए शरीर कैसे भी हो लेकिन जो नवीन साधक हैं उनको नाम जपते हुए मंत्र जपते हुए सीधे बैठना आसन पर बैठना आपका जो स्वप्न दोष आदि जो वीर संबंधी दोष जो मन की चंचलता संबंधी दोष ये सब शांत हो जाएंगे आप शांत भाव से बैठना सीखें आप हल्का आहार करके और आप ब्रह्मचर्य रहते हुए जब शांत भाव से बैठने की चेष्टा करेंगे वीर उर्दगामी हो जाएगा आपकी वायु शरीर की पच जाएगी आसन में जितनी देर बैठे उसके तीस मिनट में कुछ खाए पिए नहीं नहीं वायु बिगड़ जाएगी गंभीरता पूर्वक आप साधन में लगे कुछ ही दिनों में शरीर आप दो चार घंटे बैठना तो एक साधारण सी बात है साधारण सी बात महापुरुष जन अठारह अठारह घंटे एक आसन पे बैठ अठारह घंटे एक आसन पे देखो बाबा के लिए आया कई वर्ष बाबा लेते ही नहीं अभ्यास है आप जैसा अभ्यास कर लें नौजवान साधक है आसन में बैठे बोले यहां दर्द करता है यहां दर्द करता है वायु है थोड़ी देर बाद पच जाएगी शून्यकार स्थिति आने लगेगी आसनों और ये नहीं कि ये किसी संप्रदाय वाली बात हो आसन में बैठना भजन करना है तो हर संप्रदाय के लिए बोले हमारे संप्रदाय में नहीं ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना भगवत भजन करने के लिए संप्रदायवाद की आड़ मत लीजिए चाहे भाव के हो चाहे सखा भाव के हो सबकी बात भजन है देखो प्रबोधानंदरस्वती जी जब परमानंद दास जी को मिले तो सुबह से शाम तक एक ही आसन में बैठे थे वो निरंतर प्रिया प्रीतम की लीला चिंतन श्री बिहारीन देव जी तीन दिन तीन रात एक ही मुद्रा में थे होश ही नहीं था ये अब शरीर में हिलन डुलन चलन और हमारा मन क्षुध प्राण क्षुब्ध हमारा ब्रह्मचर्य तो कैसे कैसे आगे बढ़े नौजवान साधक जो है वो धैर्य पूर्वक आसनों पर बैठने का जरूर अभ्यास करे इससे हमें बड़ी सहायता मिलेगी पूज्य श्री बाबा जी के तप की प्रशंसा भजन शैली की प्रशंसा तो एक महात्मा को ईर्ष्या हुई उन्होंने कहा हमको उड़िया बाबा से कम है क्या और हम भी शुरू करते हैं तो चंद्रायण व्रत शुरू किया आसन पे बैठना शुरू किया अभी दस पंद्रह दिन हुए चिल्ला पड़े कि वो हमसे नहीं रह जाएगा उड़िया बाबा मार डाला हमको ऐसे करवा के हाँ बोले हमसे ये सब नहीं हुआ होगा तब बाबा ले कहा देखी देखा साधे जोग छीजे काया बाढ़े रोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार चलो हाँ ये सब महापुरुष जन जो हमें बता रहे हैं, हमें अपनी दिनचर्या ऐसी बनानी है लेकिन आज से सोचे कि हम चंद्रायण शुरू कर दे एक कवल खा के अठारह घंटा हम बैठे रहे <laughs> अपने हिसाब से चलिए ये तो सब महारथी जन है महापुरुष जन है इनकी आज्ञा पालन कीजिए और ऐसा सब कोई उड़िया बाबा थोड़ी बन जाएगा सब कोई उस प्रेम रस या रस में डूबना उसी में है लेकिन हम अपने अनुसार साधना करें देखा देखी ना करें महाराज जी हर समय समाधि में लीन रहते पलक गिराने की भी शुद्धि नहीं देखती एक कौर मुख में रखना भी अच्छा नहीं लगता एक सेकेंड की भी बहिर्मुखता सहन नहीं होती अब स्वभाव से खाना पीना अन्न ग्रहण करना यह सब छूटता गया स्वाभाविक हर समय अंतर्मुख हर समय ध्याना आहार में तन्मय रहते समाधि निष्ठा की चरम सीमा बाबा में जागृत हो रही थी महापुरुषों ने करके दिखाया है एक भक्त बाबा के पास गए और बोले बाबा मेरा अनुभव है कि जो आपके समीप रहेगा वो परम सुखी हो जाएगा बाबा मुझे लगता है कि संसार में अगर किसी को सुख है तो आपको ही है बाबा की मुद्दा बाबा बोले हां ये मैं कह सकता हूं कि मैं बहुत सुखी हूं बोले बाबा फिर हम कैसे इस सुख को प्राप्त करें तो बोले मेरे पास आ जाओ सुख प्राप्त कर लोगे बोले बाबा मैं तो आपके पास ही बैठा हूं बोले नहीं बेटा अभी तुम मेरे पास नहीं हो बाबा ने कहा मेरे पास नहीं हो तुम कहा बाबा हूं तो आपके पास ही बोले नहीं मेरे पास नहीं हो जब तुम मेरे पास आ जाओगे तो मेरे समान सुखी हो जाओगे मेरे पास आने के लिए भ्रमम त्यज मन पर्यतु क्षण पारुष्य मृदु त्यज त्यज व्रलाप्रम मौनता दुस्संगम त्यज साधुसंगम बलाव तो भंगे क्षण निंदा दुखमनिंद मुनिर् निंदा कथा संस्मृति संपूर्ण विषयों में दुख बुद्धि कर लो अगर मेरे पास आना है मेरे पास कैसे आओगे संपूर्ण विषयों में दुख बुद्धि कर लो और दो पर विजय प्राप्त करो जिभ्या और जनेन्द्री उपस्थेंद्री इन दो बस इन्हीं पर विजय प्राप्त करना और तो सब परास्त हो जाएंगे ये दो ये दो ही साधक को नष्ट कर देती है अच्छा अच्छा खाने को मिले और जनेन्द्री संबंधी चेष्टा इस भ्रांति को त्याग दो कि रसेंद्री का कोई भी सुख है और जनेन्द्री का भी कोई सुख है इसको छोड़ दो मधुर भाषण बोलो कठोर भाषण मत बोलो नहीं बोलना आता मौन हो जाओ अगर आपको सत्य हितकर मृद बोलना नहीं आता तो आप मौन हो जाइए संत समागम के द्वारा कुशंग दुष्संग पर विजय प्राप्त कर लीजिए कभी भी अपमान कोई भी कर सकता है इसलिए अभिमान मत करिए संसार बड़े बड़े भगवद अवतारों की भी निंदा करता है इसलिए तुम्हारी भी निंदा करेगा पहले से निश्चय कर लीजिए कि मैं निंदा से चुभित नहीं होऊंगा, तो तुम मेरे समीप आ जाओगे यह है महापुरुषों के समीप पहुंचने का उपाय किसी भी विषय को सुख बुद्धि से मत देखो रसेंद्री और जनेंद्री के भोगों को मत भोगो कठोर भाषण झूठ बोलना त्याग दो नहीं आता तो मौन हो जाओ संत समागम के द्वारा कुसंग का त्याग कर दो अपमान बड़े बड़ों का होता है इसलिए अभिमान मत करो तृण से नीचे बनो और निंदा बड़े बड़ों की भगवत अवतारों की भी लोग करते हैं इसलिए स्तुति इस में मत फंसो एक ना एक दिन तुम्हारी भी निंदा होगी चुपचाप पहले से तैयार हो जाओ निंदा के दुख को सहने के लिए तो तुम हमारे समीप पहुंच जाओगे आपने सुनाया कि मैं जब कृष्णचंद की पाठशाला में पढ़ाता था तो वहां के विद्यार्थियों ने रसोइयों को इसलिए पीटा था कि वो खिचड़ी बना के नहीं दी थी उसी समय हमने गांठ बांध ली थी कि जीवन में कभी जिभ्या का स्वाद नहीं लेंगे ये जीवन में कभी जीव और जिसने जिभ्या के स्वाद को रोक लिया सबको वश में कर लेगा रसेंद्री को अगर आपने अपने वश में नहीं किया तो जनेन्द्री को वश में कर ही नहीं सकते नहीं कर सकते चाहे जितने आप आसन में बैठो चाहे जो कुछ करो रसेंद्री अगर यहां से डालना बंद नहीं करोगे ना तो फिर आगे कुछ नहीं उचित सात्विक नीरस भोजन तो सरस चिंतन अद्भुत अद्भुत, अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में आएंगे लेकिन ये अच्छे अच्छे पदार्थ खाने की प्रवृत्ति छोड़ दीजिए जब आप अच्छे आप बिल्कुल अनुभव की बात है एक दिन ये भंडारा पा के देखिए बढ़िया गुलाब जामुन और ये सब और एक दो दिन माधुकरी पा के देखिए तो आप देखेंगे आपका चिंतन कैसा हर वस्तु अपना प्रभाव रखती है एक पत्ती ही तो है भांग गांजा पत्ती ही तो प्राकृतिक पत्ती है भांग है गांजा है चरस है अफीम है ये सब उसी से पैदा होते हैं प्रकृति से ही पत्ती है ये आप देखो इतनी पाते हैं और झूमने लगते हैं नशे में ऐसे ही हर अन्न में हर पदार्थ में अपना प्रभाव है किस तरह का कमाया हुआ कैसा कैसा तो जहां आप मीठा हो सब पकवान पाएंगे तो आपके अंदर रजोगुण बढ़ेगा रजोगुण बढ़ेगा तो भोगवासना बढ़ेगी आप ब्रह्मचर्य या संयम से रह ही नहीं सकते इसलिए बहुत भोजन पर ध्यान दिया जाए सात्विक भोजन जीते रसम जितम सर्वम जिभ्योपस्थ जयो धृति जो रसेंद्री को जीत लिया वो सब विजय प्राप्त कर लेगा जो रसेंद्री और जनेन्द्री पर संयम प्राप्त किए उसने विश्व को जीत लिया वो धृतिवान वो सच्चा धैर्यवान है रसेंद्री और ज... आप यदि जनेन्द्री का प्रयोग ना करें तो कुछ दिन बाद आप इस पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे किसी भी तरह से जनेन्द्री सुख का प्रयोग ना करें तो आप देखें कुछ दिनों के बाद आप शांत हो जाएंगे आपका हृदय बिल्कुल उस विषय में खिंचाव ही नहीं करेगा आपने एक दिन ज्ञानाश्रम स्वामी जी के यहां देखा था कि स्वामी जी ने रात को दूध नहीं पिया तो सुबह उनका सोच क्रिया ठीक नहीं हुई तो उसी समय निश्चय किया कि जीवन में कभी भी मैं कोई ऐसा नियम स्वीकार नहीं करूंगा कि रोज शाम के दूध पीना है रोज चाय पीनी है रोज ऐसा करना जिससे मुझे कभी किसी वस्तु की याद आवे ऐसे अपनी दिनचर्या कभी नहीं रखेंगे बाबा ने जीवन में नियम लिया था कि कोई हमारी दिनचर्या में ऐसा नहीं होगा जिससे कभी ऐसा लगे कि यार दूध नहीं मिलेगा तो पेट नहीं साफ होगा वो वस्तु नहीं मिलेगी तो हमारा आज काम नहीं चलेगा ऐसा नहीं होना चाहिए ये सब शरीर धर्म है ऐसा नियम बना लो ऐसी दिनचर्या बना लो प्रारब्ध जो मिले बस उतने से ही काम कभी ऐसा लगे कि शौच आदि नहीं तो आंवला त्रिफला आदि रखो पा लिया स्वाभाविक हाँ दूध मिले तो दूध ले लिया नहीं दो दिन नहीं मिला तो उसकी हमें चिंता ना हो उसकी आवश्यकता ना हो ऐसी दिन हमने देखा असल तो को चाय मिली तो एक जग पी गए एक जग भर करके अब पी गए मीठी है पेट भर लिया खत्म खेल नहीं मिली तो महीनों याद नहीं आई कि ऐसा नहीं कि अब चाय नहीं तो सर दर्द कर रहा है बड़ी परेशानी हो साधक को जवान साधक को वृद्ध शरीर तो जैसी श्री जी की इच्छा जवान साधक को ऐसी दिनचर्या रखनी चाहिए कोई भी अपनी दिनचर्या में ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए जो हमें याद आवे जिसके बिना हम बेचैन हो जाए बाबा कहते साधक होकर के इस शरीर को सजाना मतलब पाखाने को सजाना है पूज्यपात सूर्या बाबा कहते हैं पाखाने को सजाना है अरे संसार के सत्यत्व नित्यत्व रमणीयत्व को ही मिटाने के लिए तो तुम साधक हुए हो संसार के भोग सत्य है संसार बड़ा रमणी है बड़ा सुंदर है इसी बात को मिटाने के लिए तो तुम साधक हुए हो और इसी में तुम अरे त्याग पूर्वक भजन करो भजन में भगवत विचार में भगवत मार्ग में यही मिटाने के लिए शरीर संसार के राग को मिटाने के लिए आए हो निरंतर अभ्यास करो वासना रहित होने का आजकल साधक केवल शास्त्र पढ़ते हैं और दूसरों से शास्त्रों की बातें करते हैं हृदय से युक्त रहता क्या हुआ शास्त्र स्वाध्याय पूज्य स्वामी श्री नारदानंद सरस्वती जी महाराज नैमी शारण के वो जब सत्संग कराते थे तो उनका नियम था सत्संग अगर दो घंटे का है तो उसके बाद दो घंटे आपको समय देना होगा एकांत में सत्संग के तुरंत बाद वो बहुत जंगल है तुरंत बाद निकल जाइए अलग अलग लताओं के नीचे बैठिए और दो घंटे चिंतन कीजिए जो सत्संग में सुना सार सार बातें अपने जीवन में उतारिए ये नहीं सत्संग सुना बातें दूसरों से करते हुए निकल गए सत्संग में क्या सार बात आई वो अपने जीवन में उतार नहीं पाए ठीक है शास्त्रों का पढ़ना अच्छा है ना पढ़ने से अच्छा है लेकिन यदि शास्त्रों का मनन करके आपने जीवन में नहीं उतारा तो शास्त्र अभ्यास का मतलब क्या हुआ शास्त्रों के स्वाध्याय का फल क्या हुआ अगर तुम्हारी वासना नष्ट नहीं हुई तो शास्त्र स्वाध्याय सत्संग किस काम में आया मरने के पश्चात तो कुत्ता बिल्ली भी मुक्त हो जाते हैं शरीर और शरीर की वासनाओं से साधक तो वही जो जीते जी मर जाए जीते जी वासना को मिटा दे जीते जी परम पद में स्थित हो जाए वही साधक है ये विषय की महान शक्ति बड़े बड़े ज्ञानी भक्त और विद्वान को भी भ्रष्ट कर देती है इसलिए सावधान रहना कभी अभिमान मत कर लेना कि मेरा विषय क्या बिगाड़ सकता है बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानियों को भी देखो मछरी के मैथुन को देख के महाराज जल समाधि में बैठे हुए जल को स्तंभित करके वहां समाधि में बैठे हुए महाराज सौभरी जी मानधाता महाराज के पचास पुत्रियों से ब्याह किया बहुत सावधान रहने बाबा कह रहे हैं ये विषय की शक्ति महान है ये ज्ञानी भक्त और विद्वान सभी के हृदय में छोप पैदा कर देती है सावधान रहो विषय का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो विषयों का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो कभी भी भ्रष्ट हो सकते हो विषय चिंतन मत स्वीकार करो जो इंद्रियारामी है विषयी है ऐसो का संग त्याग कर दो अनाशक्त रहो मैं सिद्धांत की बात कहता हूं तुम विषय से कभी हारना नहीं हर वक्त विषय पर विजय पाने के लिए उत्साहित रहो गिर भी जाओ तो भी खड़े होकर के वीर बनो उसे जीतो विषयों की ओर से सावधानी रखो कभी असावधान मत हो सर्वदा भगवदाकार वृत्ति रखो और विषय और विषय पुरुषों से दूरी बना के रखो तुम्हारा शरीर प्रारब्ध के अधीन है उसकी आवश्यकता प्रारब्ध देगा या प्रभु देंगे तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चित्त को देखते रहो ये भगवदाकार की तरफ हो रहा है या विषयाकार की अगर एक बार भी विषयाकार हो रहा तो क्यों हो रहा क्या गलती हुई आपका देखना आपका संग आपका सुनना आपका भोजन कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया कैसे हो गई ये विषयाकार कैसे हो गई वृत्ति विषय का स्फूर्णा होना बात अलग है विषयाकार कैसे हो गई आप सुधार करो एक मन है ये जब भगवदाकार हो जाएगा तभी आपकी पूर्णता होगी तभी आपकी सिद्धि होगी यही साधु की शोभा है विषय त्याग विषय संग त्याग विषय चिंतन त्याग हा हा कैसे ये ये शोभा है साधु की विषय त्याग विषय संग त्याग विषय चिंतन त्याग संपूर्ण इंद्रियों का राग बिना भगवत उपासना के नष्ट नहीं होता देखो अभ्यास का प्रभाव देखो भाव का प्रभाव देखो जवान बहन समीप होने पर भी काम वासना नहीं उत्पन्न होती देखो अभ्यास और भाव अभ्यास और भाव जवान बहन पास है लेकिन काम भावना उत्पन्न नहीं होगी और तुम साधक हो तुम किसी भी माई बहन को देख करके काम आसक्त हो जाते हो कैसा तुम्हारा अभ्यास कैसा तुम्हारा भाव बहन या पुत्री भाव में इतना भाव कि काम नहीं आने देता तुम्हारा भगवत भाव है ऐसा जो काम आ गया भगवत भाव ऐसा कि तुम वहां काम दृष्टि से देख लिए निष्ठा नहीं है निष्ठा बनाओ आप सबको यही बार बार समझाते थे चाहे आंखें खुली रखो चाहे आंखें बंद रखो आवश्यकता है अंदर के चिंतन की आपका चिंतन ठीक होना चाहिए नित्य प्रति आपकी जो दिनचर्या लौकिक कार्य हो या पारलौकिक कार्य हो आपका चिंतन ठीक होना चाहिए विचार का जब तक उदय नहीं होता तब तक विशुद्ध ज्ञान नहीं होता आपकी आसक्ति इष्ट देव में होनी चाहिए विषयों में नहीं सभी प्रकार के साधकों के लिए मैं आज्ञा करता हूं कि आसन की स्थिरता ही तुम्हारे चित्त को निसंकल्पता पर पहुंचाएगी ये बहुत जरूरी बहुत जरूरी 24 घंटे में कुछ घंटे आसनों पर बैठने का अभ्यास करो सुखासन में पद्मासन में सिद्धासन में शांत बैठ करके अपने इष्ट का मंत्र इष्ट का नाम इष्ट के रूप का चिंतन करने का अभ्यास देखो नौजवान साधक हो आप बैठ सकते हो आराम से सही दर्द कर रहा उस संग हो ये। उसी समय असंग होना कीजिए मैं शरीर नहीं हूं ये दर्द एक भ्रम है ये मेरे में नहीं है धीरे 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 आप देखोगे वो चिंतन खत्म हो जाएगा दर्द का और आप इष्टाकार मंत्राकार भगवदाकार होने लगेंगे और जब होने लगेंगे तो ऐसा स्वाद मिलेगा फिर कहना नहीं फिर तो चलते फिरते भगवदाकार रहेंगे आप थोड़ी देर अभ्यास करने लगे तो धीरे धीरे फिर ऐसा अनुराग बढ़ता नशा चढ़ता सच्ची मानिए नशा चढ़ता है एक समय होता है पीछे था कि जैसे तीन बजे स्नान करके चार बजे से आसन में बैठ जाते थे तो तीन बजे स्नान करते जैसे किसी को भांग का नशा चढ़ता है ऐसे नशा चढ़ता था आंख मुंदने का आंखें मुंदने लगी अपने आप वृत्ति समाहित होने लगी अगर किसी से बात करना है तो खड़े खड़े चित्त वृत्ति लीन होने लगी बलिहारी है अभ्यास की आप अभ्यास रत रहे पूजी बाबा कहते कि शरीर में जो भारीपन है वो वायु और कफ के बढ़ने से है जब आप आसनों में बैठोगे तो आपके शरीर में एक शक्ति पैदा होगी जो आपके वायु और कफ को बचा देगी शरीर हल्का हो जाएगा एक गर्मी पैदा होगी एक बिजली पैदा होगी जो आसन और प्राण वायु को आपको बहुत हल्का कर दे आपका आसन बिल्कुल फूल जैसा लगेगा आपके प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे शरीर से जैसे आसन में बैठे हो ऐसे हिलना ऐसे हिलना बार बार तो बिजली छीण हो जाती है शांत थोड़ी थोड़ी देर अभ्यास बढ़ाइए बीस मिनट पच्चीस मिनट तीस मिनट ऐसे अभ्यास है ऐसा अभ्यास होता है प्राय 45 मिनट के बाद भीषण दर्द शुरू होता था वो अभ्यास के समय दस पंद्रह मिनट का युद्ध है दस पंद्रह मिनट बाद एक शून्यता सी फिर थोड़ी चीटी सी काटना ऐसे प्रारंभ एकदम तो फिर शांत हो गया बस फिर तो सुन लो बैठे रहो दो घंटे तीन घंटे चार घंटे जब तक शंका का ऐसा वेग ना आ जाए तब देखा शांत एक अद्भुत आनंद क्योंकि शांत बाहर शरीर मन शांत प्राण सूक्ष्म एकदम मंत्र का साक्षात्कार हो रहा है या इष्ट देव का रूप झलक रहा है कैसी गाढ़ तन्मयता कैसा गाढ़ आनंद देखो ललचाओ इन बातों के लिए प्रपंच की बातें घंटों खड़े होकर के कर रहे हो और मोबाइल में समय नष्ट कर रहे हो ये सब साधक की बातें नहीं है आवश्यकता है अंतर्मुख होने की ये मोबाइल वोबाइल साधक संसारी पुरुषों के लिए है साधन के सत्संग सुन लिया अपने नहीं है अपने तो कोई ग्रंथ रखो आचार्य परम्भ एक सूत्र देखा रख दिया बैठ गए उसी तदात्म हो रहे हैं जरा सा पढ़ाओ चार घंटे उसमें डूब रहे हैं ये है अपना विषय अपना विषय नहीं वो मोबाइल से सत्संग सुन रहे कर रहे अपना नहीं है तो अपने वैरागियों तो का तो एक ही है कोई ग्रंथ रख लो एक सूत्र पढ़ा बस उसी के साक्षात्कार में लग गए चार घंटे छः घंटे एक आसन में बैठे और ये बाहरी खेल कूद बाहरी ये सब संगीत आदि ये साधक करें साधक अंदर का संगीत सुनता है साधक अंतर्मुख होकर अपने चिंतन में डूबता है साधक अपने स्वरूप का स्वाध्याय करता है साधक अपने अंताकरण का निरीक्षण परीक्षण करता है वो बाहरी ये सब नहीं अभी हम सब बहिर्मुक्ता में बह रहे हैं आप अपने शरीर की ऊर्जा शक्ति को रोकोगे तो आपका शरीर निरोग हो जाएगा आसन स्थिर करने पर संकल्प स्थित होता है अरे साधक चाहे तो शेष भगवान की तरह पूरी पृथ्वी को धारण कर सकता है हाँ साधना में सामर्थ्य है अपार्श। अरे जब प्रभु को अपने हृदय में लिए डोलता है तो और क्या रह गया प्रभु में सब विराजमान है अनंत ब्रह्मांड वो अपने प्रभु को हृदय में लिए प्रकट अपने प्रभु को हृदय में इससे सबसे भारी भक्त होता है तो भगवत जी ने लिखा है कि सब महान वर्णन करते हुए चले जाते बोले सबसे बड़े महान प्रभु क्योंकि एक एक रोम कूप में अनंत ब्रह्मांड वास ब्रह्मांडवास ऐसे प्रभु को भक्त अपने हृदय में लिए डोलता है प्रभु का वो दिव्य विभूति हो जाता है जो इस तरह से उपासना में लगता बैठना चाहिए आसन में बैठना चाहिए तंद्रा और निद्रा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए लय करना चाहिए मन और प्राण की लड़ाई है इसी पर विजय प्राप्त कर लो बस हो गया ये प्राण जो बहुत खाते हैं तो मोटे होते चले जाते हैं स्थूल प्राण होते चले जाते हैं ये विषयी हो जाते हैं सूक्ष्म प्राण करने के लिए हल्का आहार करो आसनों पर बैठो निरंतर मंत्र चिंतन करो प्राण के द्वारा रजोगुण बढ़ता है प्राण के द्वारा ही विषय वासनाएं बढ़ती प्राण सूक्ष्म होता है रजोगुण कम होता है और संकल्प विकल्प कम होने लगते हैं मन प्रसन्न होकर प्रभु में लग जाता है हाँ तो साधु को मतलब इन बातों पर ध्यान देना चाहिए अब शरीर अगर आपका कोई ऐसे रोग से ग्रसित है तो बात अलग है दुर्भाग्य की नहीं तो सच्ची मानिए ये बहुत आनंद का विषय है अगर दो घंटे आप एक आसन में बैठकर मंत्राकार वृत्ति करें तो आप खुद देखेंगे कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है पूज्य श्री बाबा कहते हैं संसार के चिंतन को छोड़कर भगवत चिंतन में लगना यही तुम्हारा परम कर्तव्य है इष्टाकार वृत्ति करते हुए कार्य करो यदि कार्य करते हुए इष्टाकार वृत्ति रुक रही तो रोक दो कार्य इष्टाकार वृत्ति करते हुए कार्य करो यदि कार्य करते हुए इष्टाकार वृत्ति नष्ट हो रही तो रोक दो पहले इष्टाकार वृत्ति करो यदि रोना है तो इष्ट देव की लीला का चिंतन करके रो हंसना है तो इष्ट देव की लीला का चिंतन करके हंसो इष्ट के साथ खेलो इष्ट के साथ हंसो इष्ट के लिए रो आपका काम बन जाएगा जीवन का सार यही है पूज्य बाबा से एक मिले अजात भिक्षु स्वामी जी अजात भिक्षु ये बहुत ही विचित्र कोटि के महापुरुष थे ये ऐसे वैरागी थे पूछो मत उड़िया बाबा की समाधि मस्ती और इनकी वैराग्य की मस्ती बड़ी जोर की थी अजात भिक्षु स्वामी श्री उग्रानंद जी महाराज बड़े ही मस्ताने थे ये इन्होंने नियम लिया था कि ये वैसे हर समय खप्पर औंधा के रखते थे लेकिन जब भिक्षा पाने की इच्छा होती तो खप्पर ऐसे कर देते बस मांगना नहीं जाना नहीं कहीं अब उस खप्पर में जो भी आके डाल दे जो भी बस उसको पा लेना ऐसे बैरागी निष्ठावान थे बड़े ही विचित्र कोटि के ये श्री स्वामी जी की प्रतिज्ञा थी कि जो हमारे कमंड उसमें भिक्षा पात्र में आ गया वो कभी प्रश्न नहीं करते थे ये बात फैल गई कि बाबा एक ऐसे हैं बैरागी क्यों किसी से मांगते नहीं और जो खप्पर में डाल दे तो एक होते हैं वो सपेरे सांप पकड़ने वाले बहुत ही विचित्र खोपड़ी के उसके मन में आया कि अच्छा ऐसा तो बोले हा पक्का जो बाबा के खप्पर में डाल दे तो उसने तुरंत ताजा काला सांप पकड़ा और उसको काट के उबाल के छौंक के बाबा के उसमें कप्पर में डाल दिया और ये तभी तो इनका नाम उग्रानंद जी महाराज है ये जय श्री हरि और उसको पा गए पूरे जवान में छाले पूरी त्वचा फट गई सब अब जहरीला सांप लगा आसन में बैठ ऐसा अनुकरण मत करना <laughs> ये महापुरुष ही नहीं है ये बंदनी मतलब महिमा है कि ऐसी भी स्थिति के महात्मा होते हैं इतने कठोर नियम के पूछो मत अब बोलो दिखाई दिया कि वो साफ है डाल लेकिन नियम है खप्पर सीधा किया और जिसने जो डाल दिया प्रश्न नहीं किया देखा नहीं कौन और उसे प्रारब्ध है शरीर का आ गया पा लिया लेकिन सबके बस की बात नहीं ऐसा अपना मन बेईमान है कहीं वासना के लिए भी ये राजी हो जाएगा कि प्रारब्ध ही तो है और जब आएगा दुख और क्लेश और अशांति और निंदा और अपमान तभी घबरा जाएगा ये वो महापुरुष है पूछो मत जो पूर्ण माया पर विजय प्राप्त किए हुए हैं उस सपेरे ने सांप पका के डाल दिया मुंह में छाले पड़ गए शरीर की त्वचा फट गई लेकिन आप कोई परवाह न करते हुए अपने नियम में अटल रहे अपने प्रति कठोर दूसरों के प्रति अत्यंत कोमल स्वभाव एक मुसलमान वृद्धा माता थी वो उनसे एक दिन भिक्षा पवाने के लिए उदास भाव से खड़ी थी और जब इनका ऐसे खप्पर हुआ तो वो रोटी बना के डाल दी आप पा गए ये सबके सामर्थ्य नहीं अब उसने कहा कि बाबा हमारी बेटी का ब्याह है बादर मंडरा रहे हैं हम इसीलिए व्याकुल थे कि भिक्षा आपको पवा दे फिर आपसे मांगे बाबा बस इतना है कि बेटी का ब्याह ठीक हो जाए और ये बरसा ना हो हम गरीब हैं ऐसा उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी रोटी पवाने का फल यही होगा कि आज मेघ की ताकत नहीं कि एक बूंद बरस जाए सामर्थ महापुरुषों में होती है जाओ कुछ नहीं होगा सब ठीक हो जाए बरसाई नहीं हुई एक माई थी जिसके शरीर में कुष्ठ था उसको पता लगा तो वैसे ही कोड़ हाथ से रोटी बना के लाई और बाबा के बाबा ने पा लिया और जे भी रोटी उसकी पाई उसका कुष्ठ पूरा बिल्कुल गायब ठीक हो गया ऐसे सामर्थ्यशाली उग्रानंद जी महाराज थे एक ब्राह्मण ने परीक्षा करने के लिए शराब की बोतल जब उन्होंने खप्पर सीधा किया तो शराब की बोतल डाल दी उस तो उन्होंने हंसकर के कहा कि अरे कुछ तो दिमाग रख ब्राह्मण कुल में जन्मा कुछ तो दिमाग रख कि आखिरकार तू क्या कर रहा है एक भिक्षुक सन्यासी को मदिरा खर में डाल रहा है कुछ तो दिमाग रख एकदम भ्रष्ट मत हो जा उसको डाटा तो अगर वो फेंक देता तो फिर जो उनका लिया था था लेकिन जब डाटा कह रहे ब्राह्मण कुछ तो दिमाग रख क्या कर रहा है तो वो फेंक दी ऐसे वो अपनी निष्ठा से युक्त थे आप जंगलों में पेड़ के नीचे रहते थे एक बार एक गांव में चोरी हुई और चोर लोग उधर ही से भागे अंधेरे का समय था पेड़ की जड़ में ऐसे छुपे हुए बैठे थे गांव के लोगों ने समझा चोर है खूब डंडे मारे श्री स्वामी जी महाराज के अब जब स्वामी जी महाराज को देखा कि अरे ये तो उग्रानंद बाबा है तब सब चरणों में गिरे और सब कान पकड़ कर कहने लगे इतने में तो पचासों डंडे पड़ गए थे बाबा के इतने उन्होंने कहा कि बाबा क्षमा करो ये तो लाठी और डंडे आपके ऊपर पड़ गए ऐसा लगा था कि अंधेरे में चोर ही है तो उनका बदमाश तो है ही है शरीर इसका प्रारब्ध था भले पीटा आप लोग चिंता मत करो जाओ ऐसे महापुरुष है शरीर से एकदम निरपेक्ष अब आप देखो खान पान व्यवहार में पूर्ण रूप से निरपेक्ष एक बार कुछ गांव वाले ठहरने के लिए इन्हें ऐसा स्थान बता दिया जहां शेर आता था। रात्रि में शेर आया तब आपने कहा ए दो शेर एक जगह नहीं ठहरते या तो तू यहां रुक या मैं यहां रुकू बोले शेर छलांग लगाया और चला गया जो भगवत स्वरूप में स्थित तो है उनको कोई भय थोड़ी होता है इनके वैराग्य को देख करके महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए पूज्य सी उड़िया बाबा जी महाराज इनके वैराग्य ये वैराग्य केसरी चरम सीमा वैराग्य की महाराज जी ने प्रश्न किया संत कौन इनसे प्रश्न किया उग्रानंद जी से कि संत कौन पाद उड़िया बाबा ने प्रश्न किया तो इन्होंने कहा एक और यज्ञ हो रहा है दूसरी ओर हत्या हो रही जिसकी दोनों में समान दृष्टि होती वो संत होता है इन्होंने कहा एक और यज्ञ हो रही हो एक और हत्या हो रही है और दोनों में जिसकी समान दृष्टि होती वही संत होता उसे ही संत कहते हैं महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए इनकी बात सुनकर अंतिम समय में इन्हें संग्रहणी हुई और नाभि का फोड़ा हुआ भक्तों ने चिकित्सा के लिए बहुत प्रयास किया आपने कहा कि नहीं शरीर की चिकित्सा नहीं इसकी चिकित्सा यही है कि इसका प्रारब्ध क्षय हो रहा है तुम कोई चिंता मत करो वैराग्य में वयम वैराग्यवान अभय होता है वैराग्य ही अभय पद होता है और ये ध्यान निष्ठा में भगवत चिंतन करते हुए अपने शरीर को पूरा किया लेकिन दवा सोई का कितने कठोर नियम वाले महापुरुष थे इस महापुरुष की रहनी को देख करके पूज्यपात सूर्य बाबा जी बहुत आनंदित हुए हीरानंद जी ब्रह्मचारी और भी बड़े बड़े विद्वान जन बाबा की कुटिया में आए दर्शन करने के लिए बाबा विद्वता में भी चरम सीमा के थे पूज्य पाठ से उड़िया बाबा जी बाबा जी महाराज निर्विकल्प समाधिना स्वतंत्रो यतिश्चरती सन्यासी सयुक्त सपूज्य स योगी स परमहंस सा, सा ब्राह्मण इति वही जीवन मुक्त है वही संन्यासी है वही ब्रह्म प्राप्त है वही उपासक है वही पूज्य है जो हर समय भगवदाकार वृत्ति में रहता है हर समय ब्रह्मा का एक सेकेंड के लिए भी जो विषय चिंतन नहीं करता ब्रह्माकार रहता है बड़े बड़े विद्वान बाबा के दर्शन करने राम घाट आते आपसे साधन संपत्ति के विषय में प्रश्न करते बाबा सबको समुचित उत्तर देते एक क्षण की संगति से भाव सागर पार होने की सामर्थ्य आ जाती एक क्षण बाबा सत्संग उड़िया बाबा सत्संग करते भाव सागर से पार होने की सामर्थ आ जाती शास्त्रों में महापुरुषों का संग मिलना साक्षात मोक्ष पद पे आरूढ़ होना ऐसा वर्णन किया गया है वो इन महापुरुषों के साथ सा, सा, सार्थक होता कि ऐसे महापुरुषों का एक क्षण का संग भी भगवत प्राप्ति के लिए विकलता पैदा कर देता एक जीवन दत्त जी नाम के ब्रह्मचारी जी पूज्य बाबा के दर्शन करने आए ये बड़े निष्ठावान तपस्वी सरल और सर्वहितकारी पुरुष थे ये विद्वानों में शेखर थे अर्थात बहुत ही श्रेष्ठ विद्वान थे सट दर्शनाचार्य दंडी स्वामी श्री विश्वेश्वराश्रम जी भी आए सुप्रसिद्ध संत श्री करपात्री जी महाराज के विद्यागुरु थे महाराज जी उनको बहुत प्रेम करते थे पर महाराज जी का जब प्रभाव महाराज जी की महिमा सुनी और देखा तो समालोचना करने लगे महाराज जी की यह बहुत विचित्र लीला होती है कि कोई बिरला ही किसी के यश को बचा पाता है नहीं तो जहां ऐसा होता है ना तो इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, कंचन तजना सहज है सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए महाराज जी की निंदा करने लगे महाराज जी एक बार पधारे ये जहां रुके हुए थे पाठशाला में महाराज जी वैसे किसी को प्रणाम नहीं करते थे उड़िया बाबा कभी किसी को प्रणाम नहीं करते थे कभी नहीं कोई भी आए जाए कभी प्रणाम नहीं करते थे मतलब चूंकि उपासना ऐसी है ना जब दूसरा हो तो प्रणाम नमस्कार हो और अगर कह दो कि प्रणाम करो तो कर देंगे प्रणाम अगर कहो नहीं तो प्रणाम नहीं करेंगे किसी को प्रणाम नहीं करेंगे पर यहां जानते थे कि ये निंदा की भावना है इसलिए महाराज जी ने कहा गो मरी उड़िया बाबा ने उनसे कहा लेकिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया तख्त पर बैठे हुए थे स्वामी जी आप नीचे बैठ गए पूज्यपात सिंह उड़िया बाबा जी महाराज नीचे बैठ गए अब उन्होंने उल्टी सीधी बातें महाराज जी को शुरू किया फटकारना शुरू किया सन्यासी है कीर्तन करवाता है बाबा जहाँ बैठते थे नाम कीर्तन करवाते उड़िया बाबा इसीलिए हरि बाबा से प्यार भी हुआ और जहां कहीं रासलीला होती थी बाबा रासलीला देखने जाते देखो ऐसे समाधि मगन महापुरुष रासलीला के ये कीर्तन करवाता है शंकर संप्रदाय का अनुयायी होकर के ऐसे आचरण करता है रास में लड़कों का नाच देखता है ऐसे बाबा की निंदा करने लगे वो बाबा को है। अब बड़े विचित्र विचित्र भगवान के स्वरूप है ऐसे महापुरुष की भी निंदा लेकिन बाबा चुपचाप शांत जब वो खूब घंटों प्रवचन कर चुके अपना तो बाबा फिर उठे बोले वो मरी और वहां से निकल निकल पड़े पंडित जीवन दत्त जी बहुत भारी विद्वान थे वो बाहर आए और बहुत विकल हुए बाबा से कहा बाबा आपके विषय में बोल रहे थे आप शांत और चुप थे तो महाराज जी ने कहा जैसा स्वामी जी कह रहे ठीक ही तो कह रहे हैं क्या है उनके क्या परेशानी क्या है उनका स्वभाव है वो ऐसा भूल गुरुजन है ठीक है ऐसा ही ठीक है जैसा वो बोल रहे हैं कोई भी रोष नहीं बाबा कोई रोष नहीं श्री महाराज जी रामघाट में थे एक दिन नरवर के काशी के नायक विद्वान आए हुए थे और बड़े बड़े सब विद्वान वहां आए कहा आप बड़े सिद्ध महात्मा हैं मेरे मन में एक शंका है आप उसका समाधान करें मेरा ऐसा विचार है कि ईश्वर है नहीं पहली बात और है तो बहुत प्रशंसा भोगी है वो अपनी प्रशंसा कराता रहता है काशी के बड़े बड़े विद्वान बाबा के समीप आए और कहा एक शंका है एक प्रश्न है हमें लगता है ईश्वर है नहीं अगर ईश्वर है भी तो बहुत भोगी है प्रशंसा प्रिय है बहुत छप्पन भोग छानता है और अपनी प्रशंसा सुनता है ऐसा उसके भक्त तो जो छप्पन भोग लगाते हैं उसी से प्रसन्न होता है जो भक्त तो उसकी स्तुति करते हैं उसी से प्रसन्न होता है मुझे लगता है ऐसा है महाराज जी देख करके मुस्कुरा दिए उनकी तरह उन विद्वानों की तरह की देखो ये है। <laughs> विद्वान है न्यायिक विद्वान काशी से आए हुए विद्वान है बाबा जी बाबा मुस्कुरा दिए और कहा कि हम तो अनपढ़ लोग हैं इस विषय में क्या उत्तर दें जैसे आपने कहा ईश्वर छप्पन भोग पाता है प्रशंसा सुनता है पहली बात तो है नहीं अगर है कोई तो ऐसा ही है क्या इसमें पंडित जी की शंका का उत्तर दूं तो अन्य जो विद्वान जन थे बाबा की तरफ से उन्होंने कहा कि बाबा हम उत्तर दे दें बाबा टाल दिए क्योंकि महापुरुष जन तभी बोलते हैं जब अधिकारी होता है अब क्या अधिकारी बड़ा विद्वान बना हुआ जब कह रहा है या तो ईश्वर है नहीं या तो है प्रशंसा भोगी स्थिति भोगी और भोग राग पाने वाला ईश्वर है तो मतलब बिल्कुल बच्चों वाली बात है थोड़ा भी तो काशी से आए तो लेकिन यही है बिना उपासना बिना भक्ति के शुद्ध ज्ञान नहीं होता चाहे जितना शास्त्रों का हो ज्ञाता हो विश्व बंधु जी वहीं बैठे हुए थे उन्होंने कहा समाधि सिद्ध ईश्वर प्रणिधानात आप जो कह रहे हो कि ईश्वर पता नहीं है कि नहीं तो समाधि सिद्ध महापुरुषों ने उसका अनुभव किया आप समाधि में स्थित हुए देखिए ईश्वर है कि नहीं आपको समझ में आ जाएगा समाधि सिद्ध ईश्वर प्रणिधानात जो समाधि में सिद्धावस्था को प्राप्त है उनको भगवत साक्षात्कार होता है उनको ईश्वर का साक्षात्कार होता है केवल बातों से नहीं होता बाबा नहीं बोले वो बाबा के समीप बैठे हुए उनके शरणागत विश्व बंधु जी ने कहा और आप ये सोच रहे हैं कि ईश्वर भोगराग से राजी होता है वो स्तुति प्रशंसा सुनकर राजी होता है अरे क्लेश कर्म विपाक आशा यही रपरा मृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर जिसके चिंतन से सारे क्लेश नष्ट हो जाए जिसके चिंतन से महा आनंद प्रगट हो वो ईश्वर है तुम क्या समझते हो अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए वो उसके द्वारा दी हुई पूजा भेटाद स्वीकार करता भूखा है तो छप्पन की स्तुति पूजा आदि करते हैं उनके पापों का उनके क्लेशों का ईश्वर नाश करके उसे आनंद प्रदान करते हैं आप कैसी बात करते हैं विश्वबंधु जी के इस कथन को सुनकर के जितने भी पंडित थे वो सब चुप हो गए उत्तर नहीं दे पाए फिर महाराज जी से बोले मैं एक विशेष कार्य से आया हूं आपसे एकांत में कुछ बातें करनी है महाराज जी पंडित जी को लेकर एकांत चले गए वे बोले स्वामी जी ये बड़े बड़े लोग आपकी बहुत निंदा करते हैं और मुझे अब सहन नहीं होता आपकी निंदा ये देखो ये बताने आए ये बहुत प्रपंची होते जो अपने को केवल विद्वान मानते हैं ना बोध है ना भक्ति है ये आए महापुरुष का सेवन करने एकांत बोले हमें एकांत अरे एकांत जाना था तो चरण पकड़ लेना था कि महाराज थोड़ा बोध हमको भी हो जाए थोड़ा भगवत चिंतन हमारा भी बने तो उन्होंने कहा महाराज आपकी बड़ी निंदा होती है तो बाबा ने कहा बढ़िया है होनी ही चाहिए बाबा ने कहा बढ़िया है पंडित जी आप लोग मेरी जितनी निंदा सुने उतना अच्छा है आपने जितना सुना वो कम है अगर और सुनना हो तो हमसे पूछो हम वैसे भी निंदनी ही है महापुरुष महापुरुषों पंडित जी आपने जितना सुना वो कम सुना और हमसे सुनो निंदनी ही है वो बेचारे सब पंडित लोग चुप हो गए वो सोच रहे थे कि जब हम ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो बाबा हमें दुलार करेंगे तुम तो हमारे पक्ष के हो ये संसारिक लोग होते हैं क्या भगवान नाम कीर्तन करना दोष है क्या भगवत चरणार्विद में आसक्ति प्रदान करने वाली लि रासलीला ये दोष है अब और तो कोई मिला नहीं विषय तो दो ही विषय में कि ये नाम कीर्तन करवाते हैं ये रासलीला देखते हैं अब रास लीला को वो समझते हैं कि बच्चों का नाच है लड़के नाचते हैं ऐसा जो बहिर्मुख बुद्धि है वो पंडित लोग चुप हो गए बाबा ने कहा कि भगवान नाम और रास आदि को लेकर अगर ऐसी बातें हैं तो हम तो ये वैसे निंदा का विषय नहीं पर इससे भी ज्यादा हम निंदनी है जो लोग निंदा करते हैं तो कम करते है। हम तो और निंदनी पंडित लोग सब चुप हो गए बाबा अपने आचरण से दिखाते कि कैसे अजात शत्रु होना चाहिए कैसे सब में भगवत बुद्धि रखनी चाहिए शेष चर्चा आगे श्री राधा की जय 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 श्याय जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय 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 श्याम जय जय श्री त्ररिवंश जी महाराज की श्री जी महाराज की, की।, की। समस्त सहचरी वृंद की श्री वृंदावन धाम की श्री रस रानी की समस्त संत हरि भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय श्री श्रीधाम